रात के 1:30 बज रहे थे। कुल्लू की पहाड़ियों के बीच में एक डार्क ब्लू कलर की स्कॉडा कार तेज स्पीड में आगे बढ़ रही थी। पहाड़ के सुनसान रास्ते कार में बज रहे गानों की आवाज से गूंज रहे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आर्ची के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर बार बार फिसल रहे थे। आर्ची की आंखों में लाल डोरे पड़े हुए थे और कोई भी दूर से देखकर ही बता सकता था कि वो नशे में चूर है। अचानक आर्ची ने देखा कि कोई रास्ते के बीच से गुजर रहा था, लेकिन उसके ब्रेक लगाते लगाते तेज गाड़ी ने उस आदमी को एक जोरदार टक्कर मार दी। वो आदमी फुटबॉल की तरह उछलता हुआ रास्ते के दूसरे छोर पर जा गिरा। आर्ची ने ब्रेक लगाया और गाड़ी रोकी। गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी। आर्ची ने एक पल के लिए सोचा और फिर गाड़ी के बाहर निकला। उसने गाड़ी के बाहर एक कदम निकाला ही था, तभी उसे सामने से एक बड़ी सी लॉरी आती हुई दिखाई दी। ये पल आर्ची के लिए फैसले की घड़ी थी। अगर वो आदमी मर गया होगा तो? कहते हैं फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि हमारे आज लिए गए फैसले पर ही हमारा कल निर्धारित होता है। क्या ये फैसला हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या आपके अतीत ने भी कभी आपसे कहा है, आज तुम जो भी हो सिर्फ मेरी वजह से हो, थैंक यू नहीं कहोगे मुझे? बहरहाल आर्ची ने फैसला ले लिया और दूसरा रास्ता चुना। उसने वहां पर अपना कदम गाड़ी में रखा और तेजी से गाड़ी बढ़ाता हुआ लॉरी के बगल से निकल गया। लेकिन उस वक्त जब उसने कदम बाहर रखा था, उसके गोद में रखा उसका सिगरेट लाइटर जमीन पर गिर गया और आर्ची को इस बात की भनक तक नहीं हुई। अगले कुछ घंटों तक आर्ची बेतहाशा गाड़ी चलाता रहा। आर्ची कंफ्यूज था। एक तो लगातार मीलों की ड्राइविंग, ऊपर से नशा। कुछ घंटों बाद उसे ये भी ठीक से याद नहीं था कि उसने सही में किसी आदमी को टक्कर मारी भी है या ये सिर्फ उसका एक भ्रम था। आर्ची एक 25 साल का बहुत ही हैंडसम नौजवान था। लंबी कदकाठी और काले घने बाल के साथ ईश्वर ने उसे एक बहुत ही आकर्षक चेहरा भी दिया था। कोई भी उसे एक बार देख लेता तो दोबारा मुड़कर जरूर देखता। वो दिल्ली के एक अमीर परिवार से बिलोंग करता था। अच्छी एजुकेशन और पैसों से आई किसी चीज की कमी नहीं थी उसकी जिंदगी में, सिवाय एक चीज के, और वो था उसका लक्ष्य। अपने 25 साल के जीवन में आर्ची ये तय ही नहीं कर पाया था कि उसे जीवन में करना क्या है। वो एक जगह ना तो टिक कर रह पाता था और ना ही किसी काम को लंबे समय तक करने की जिम्मेदारी उठा पाता, और यही वजह थी कि उसके पिता उससे नाराज रहते थे। हाल ही में उसने अपनी 17वीं नौकरी छोड़ी थी और अपनी 18वीं नई नौकरी को ज्वाइन करने के लिए कल उसे मुंबई पहुंचना बहुत जरूरी था। लेकिन फिर वो मुंबई जाने के बजाय कुल्लू की वादियों में क्या कर रहा है? खैर, आर्ची की गाड़ी उस एक्सीडेंट के बाद दिल्ली के रेलवे स्टेशन जा पहुंची। उसने अपने ड्राइवर को गाड़ी देने के लिए पहले से ही स्टेशन पर बुला रखा था। ड्राइवर ने गाड़ी की चाबी लेते हुए उससे कहा, सर ट्रेन खुलने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अगले ही पल आर्ची दौड़ पड़ा। चिल्लाते हुए उसने पूछा, प्लेटफॉर्म नंबर क्या है? नंबर 7। आर्ची कूद कर एस्केलेटर पर चढ़ गया और उस पर दौड़ते हुए खुद से बोला, नंबर 7 इज माई लकी नंबर, ट्रेन तो मैं पकड़ ही लूंगा। जैसे ही आर्ची प्लेटफॉर्म नंबर 7 की सीढ़ियों के नीचे उतर रहा था, वहां लगी हुई ट्रेन ने धीमी स्पीड से चलना शुरू कर दिया था। आर्ची दौड़ता हुआ अपनी बोगी की तरफ बढ़ रहा था। वो पूरी स्पीड में ट्रेन की स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसे उसकी बोगी 3A दिख गई। आर्ची ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और वो गेट के करीब पहुंच गया। अचानक उसने देखा कि उस बोगी के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत और कोमल हाथ बाहर निकला, जिसमें एक बहुत सुंदर लाल रंग का रक्षा सूत्र बंधा हुआ था, जिससे छोटे छोटे घुंघरू लटक रहे थे। एक पल में फिल्मों के शौकीन आर्ची को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का वो आइकॉनिक सीन याद आ गया, जिसमें शाहरुख खान ने काजोल को ट्रेन पर चढ़ने में मदद की थी। अगले कुछ सेकेंड्स में ही आर्ची ने उस हाथ वाली अनदेखी लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड मनाने के अनुभव को महसूस कर लिया। अब तो इस हाथ को पकड़ना आर्ची के लिए सिर्फ जीवन और मौत का प्रश्न ही नहीं था, बल्कि उसकी नौकरी
और वन नाइट स्टैंड के सपने का भी प्रश्न था। आर्ची ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और लपक कर उस खूबसूरत हाथ को पकड़ लिया। अगले ही पल आर्ची जमीन पर गिरा हुआ था, क्योंकि उस हाथ ने झटके से आर्ची के हाथ को धक्का देकर अपना हाथ छुड़ा लिया था। लेकिन आर्ची के पास अभी हैरान होने का भी वक्त नहीं था। उसने एक बार फिर से अपनी हिम्मत बटोरी और लगभग छूटती ट्रेन के पिछले डिब्बे में दौड़कर चढ़ गया। अगले कुछ मिनटों तक आर्ची को ट्रेन के डिब्बे के अंदर चलना पड़ा ताकि वो अपनी बोगी तक पहुंच सके। आखिरकार आर्ची अपनी सीट तक पहुंच गया, लेकिन उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसकी साइड लोअर बर्थ पर पहले से कोई कंबल ओढ़कर सो रहा था। उसकी सीट पर पहले से किसी ने कब्जा जमा रखा था। इस बात ने आर्ची को बहुत गुस्से से भर दिया। उसने झटके से कंबल खींचा और बोला, यह मेरी सीट। लेकिन उसकी बात पूरी होने के पहले ही कंबल के नीचे सोई हुई करीब 23 या 24 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर उसकी नजर पड़ गई। अचानक कंबल खींचे जाने से उस लड़की की लॉन्ग स्कर्ट उठकर उसकी घुटनों के ऊपर तक आ गई। उसके गोरे पैरों को देखकर आर्ची एक बार फिर से अपने वन नाइट स्टैंड के सपने में खो गया। लेकिन इस बार भी ये सपना ज्यादा देर तक नहीं चला। क्या बदतमीजी है, ये मेरी सीट है, आर्ची उस लड़की के पैर के बगल में बैठते हुए बोला। ये सीट नंबर 16 मेरी है। उस लड़की ने झट से अपना मोबाइल खोला और आर्ची को दिखाते हुए बोली, ये देखो सीट नंबर 16, नेम गजल खन्ना। इस पर आर्ची ने उसका मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया और उसके स्क्रीन को जूम करता हुआ बोला, ये देखो उसके नीचे क्या लिखा है, REC। इसका मतलब ये है कि तुम ये सीट किसी के साथ शेयर करने वाली हो और वो मैं हूं, आर्ची ओबेरॉय। गजल ने मजाक उड़ाने वाले टोन में कहा, अच्छा तो तुम कॉमिक से निकलकर इस ट्रेन में क्यों चले आए? आर्ची ने तुरंत पलटकर कहा, हाँ वहां मैं बोर हो गया था तो सोचा क्यों ना कुछ गजल ही गा लूं। आर्ची ने यह बात जिस अंदाज में कही उसे सुनकर बोगी में मौजूद सारे लोग हंस पड़े। गजल झेप गई और उसे गुस्सा आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो जवाब दे या ना दे। उसने वहां मौजूद लोगों के चेहरे देखे, सबको बड़ा मजा आ रहा था आर्ची की हाजिर जवाबी पे, और अब सब उसका नाम भी जान गए थे। खैर बात को खत्म करने की नीयत से गजल वहां से उठकर निकल जाती है, और थोड़ी देर बाद जब वो लौट कर आई तो उसने देखा कि आर्ची आधी सीट पर सेटल हो चुका है। गजल चुपचाप आकर बैठ गई और अपने मोबाइल में उसने अपने आप को ऐसे एंगेज किया कि आर्ची को क्लियर मैसेज मिल जाए कि वो अब उससे बात करने में कतई इंटरेस्टेड नहीं है। ये बहुत ही अजीब सिचुएशन थी दोनों के लिए। अपनी लाइफ में पहली बार दोनों ने REC की एक बर्थ शेयर की थी। ये कुछ ऐसा था कि सीट आपकी है भी और नहीं भी। खैर अब तो दोनों को किसी तरह पूरा सफर ऐसे ही गुजारना था। आर्ची ने अपनी स्मार्टनेस में गजल को जवाब तो दे दिया था और गजल ने फिर चुपचाप अपने काम से काम रखा। लेकिन वक्त के साथ ठंड बढ़ गई थी, बोगी की लाइट्स बंद हो चुकी थी, गजल के ऊपर एक स्पॉटलाइट जल रही थी। आर्ची गजल को चुपचाप निहारने लगा। गजल ने एक ब्लैक शिफॉन शर्ट और उसके अंदर व्हाइट कलर का लेस वाला टॉप पहन रखा था, और जिस तरह से वो अपने आप में सिमटती जा रही थी ऐसा लग रहा था गजल को ठंड सता रही थी। आर्ची अब अपने मोबाइल में डूबी हुई गजल की खूबसूरती को बड़े गौर से निहारने लगा, और गजल थी भी खूबसूरत। लगभग 5 फुट 5 इंच की हाइट, सांवला रंग, घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बात थी उसकी स्किन। आर्ची ने उसकी बॉडी को स्कैन करके देखा, पूरे बदन पे एक निशान नहीं, जैसे कि कोई डॉल हो। बेपरवाही से बैठी हुई गजल के शारीरिक उभार एक बार फिर से आर्ची के हॉर्मोन्स को परेशान करने लगे। थोड़ी देर बाद आर्ची ने देखा कि गजल ने मोबाइल रख दिया है और वो नींद में डूब चुकी है। वो गजल को देखकर सोचने लगा, काफी एटीट्यूड है लेकिन है खूबसूरत। इतना सुंदर चेहरा और इतने परफेक्ट फिगर का कॉम्बिनेशन कभी कभी ही देखने को मिलता है। तभी अचानक ट्रेन ने ट्रैक चेंज किया और गजल बाहर की तरफ गिरने लगी। बिजली की फुर्ती से आर्ची लपका और उसने गजल को अपनी बाहों में भर लिया।
झटके से गजल की आंखें खुल गईं। वो अपने चेहरे पर आर्ची की गर्म सांसों को महसूस कर पा रही थी। वो सपने में डूबी हुई थी और अचानक से अब वो आर्ची की बाहों में थी। इस बात को समझने में उसे कुछ सेकंड लग गए, लेकिन जल्दी ही वो संभल गई और उसने खुद को आर्ची की बाहों से छुड़ाते हुए कहा, ये क्या हरकत है, चांस मार रहे हो क्या? आर्ची को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वैसे भी उसके चेहरे के हाव भाव से साफ समझ आ रहा था कि उसके हॉर्मोन्स ने उसे परेशान करके रखा था। आर्ची ने बिना कुछ कहे अपनी पानी की बोतल उठाई और वहां से चला गया। ट्रेन के दरवाजे के पास आके उसने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली और उसमें से कुछ छोटी छोटी गोलियां उस पानी की बोतल में डाल दी। फिर उसको एक बार कस के हिलाया और एक घूंट लिया और खुद से बोला, सही माल है। फिर आर्ची पैंट्री की तरफ निकल गया। उधर आर्ची के निकलने के बाद गजल की ऊपर की सीट से एक लुंगी बनियान में एक मोटा आदमी नीचे उतरा और चप्पल पहनते पहनते उसने गजल से कहा, तुम सोते में गिरने वाली थी, उस लड़के ने तुम्हें गिरने से बचाया था। आई थिंक यू शुड थैंक हिम। गजल सोच में थी कि तभी आर्ची लौट आया। उसके हाथ में खाने की एक प्लेट थी। प्लेट गजल को देते हुए उसने कहा, खा लो, जब तुम सो रही थी तो मैंने खाना खा लिया था, एक प्लेट तुम्हारे लिए रखवा दी थी। ये सुनकर गजल थोड़ी सरप्राइज थी। शायद आर्ची एक अच्छा लड़का है, ऐसा गजल ने सोचा। थैंक यू कहकर गजल ने जल्दी ही खाना खत्म किया और बगल में रखी आर्ची की बोतल से पानी पी लिया, बगैर ये जानते हुए कि उस पानी में नशे की बूटियां मिली हुई थी जिसे लेने आर्ची पहाड़ों में गया था। लेकिन इससे पहले आर्ची उसको टोकता, गजल 2-3 घूंट पी चुकी थी और वो उसे रोकता भी तो क्या कहकर। इसलिए आर्ची अब गजल को ध्यान से देखने लगा और उसका अंदाजा ठीक था। गजल को नशा तेजी से चढ़ रहा था। गजल ने कंबल को ओढ़ते हुए आर्ची से कहा, इफ यू डोंट माइंड, एक ही कंबल में एडजस्ट कर लेते हैं। एक की जगह है नहीं, दो कहां से फिट होंगे। आर्ची एक अजीब सी दुविधा में फंस गया। क्या कहूं, बताऊं इसको कि जो पानी तुमने पिया है उसमें एफ्रोडिसियाक मिला है, एक ऐसा नशा जो इंसान से उसकी शर्म छीन लेता है। क्या होगा जब गजल पे नशा सवार होगा? क्या आर्ची गजल का फायदा उठाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए लव एनकाउंटर ऑन पॉकेट एफएम। आर्ची और गजल अब एक ही कंबल में थे। कंपार्टमेंट में सब लोग लगभग सो से गए थे, लाइट्स भी ऑफ थी। गजल ने आर्ची से पूछा, सो मिस्टर, तुम भी मुंबई जा रहे हो? आर्ची ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, कल मेरी नई जॉब का पहला दिन है, और तुम? गजल ने एक्साइटेड होकर जोर से कहा, सेम पिंच, कल मेरी भी जॉब का पहला दिन है। तभी ऊपर की सीट वाले मोटे आदमी ने नसीहत भरी आवाज में कहा, बातें करनी है तो धीरे धीरे करो, मेरी नींद खराब मत करो। गजल ने खिड़की की तरफ खिसकते हुए कहा, तुम मेरे बगल में आ सकते हो, फिर हमें जोर से बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्ची तो जैसे इसी मौके की तलाश में था, झट से गजल के और करीब पहुंच गया। ऊपर वाली बर्थ पर लेटा मोटा आदमी उन दोनों की बातों में अब दिलचस्पी लेने लगा और उसने एक ऐसा एंगल बनाया कि गजल और आर्ची को वो साफ देख सके। वो चुपचाप उनकी बातें कान लगाकर सुनने लगा। शायद उसे अपनी जवानी के दिन याद आ गए, जब शायद उसने पहली बार कॉलेज में एक लड़की से बात की होगी। और क्यों ना हो, उम्र गुजर जाती है लेकिन जिंदगी में प्यार की जरूरत हमेशा महसूस होती है। वो प्यार जो जवानी में खिलता है उसकी खुशबू कुछ और ही होती है, उसका नशा कुछ और ही होता है। बिल्कुल वैसे जैसे इस वक्त गजल और आर्ची, जो एक दूसरे के इतने करीब थे कि बीच से हवा का गुजरना भी मुहाल था। गजल ने आर्ची की आंखों में देखा और वो बस देखती ही रह गई। आर्ची का चेहरा थोड़ा अलग था, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक तलाश, एक घमंड। लेकिन उसका बाकी का चेहरा, उसमें एक अजीब सी इनोसेंस थी, एक मासूमियत। यूं तो गजल ने अपनी जिंदगी में कई लड़कों से दोस्ती की थी लेकिन आर्ची की बात अलग थी। अपने आप में इतना उलझा हुआ लड़का गजल ने पहली बार देखा था
और शायद गजल को ये बात आर्ची में पसंद आई थी। आर्ची भी गजल की तरफ अट्रैक्टेड था और शायद लड़कियों की तरफ यही अट्रैक्शन था जिसने आर्ची की जिंदगी को संभाल के रखा था। जब भी आर्ची को अपनी लाइफ से प्रॉब्लम होती वो किसी लड़की से इन्वॉल्व हो जाता और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता। जब भी आर्ची को अपने वर्कहोलिक डैड से प्रॉब्लम होती या फिर ऑफिस में अपने मैनेजर से, वो कुछ नहीं तो इंटरनेट पर चैटिंग करने लगता। लेकिन बाकियों की तरह आर्ची ने और हॉबीज नहीं बनाई थी क्योंकि उसका दिल कहीं और वैसे नहीं लगता जैसे लड़कियों से बात करने में। आर्ची और गजल अब एकदम करीब थे, इतने कि आर्ची गजल की धड़कनों को महसूस कर पा रहा था जो ट्रेन की आवाज के साथ मानो जुगलबंदी कर रही थी। तभी आर्ची ने गजल की आंखों में देखते हुए कहा, एक चीज मांगू। गजल के ऊपर नशीले पानी और आर्ची के आकर्षण का जादू चढ़ता ही जा रहा था। उसने मादक स्वर में धीरे से कहा, जाओ दीदी। आर्ची मुस्कुराया और गजल का ओढ़ा हुआ कंबल उसने अपने ऊपर ले लिया। अब गजल के ऊपर नशा हावी होने लगा। पानी में मिली उन बूटियों का और एक जवान खूबसूरत लड़के के इतने करीब होने का नशा, गजल ने आर्ची के कंधे पर अपना सर रख दिया, ऐसे मानो उसने समर्पण कर दिया हो। रात के गहरे अंधेरे में एक तरफ आर्ची गजल के साथ इतने लोगों की भीड़ में एक प्राइवेट मोमेंट शेयर कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जहां आर्ची का अपनी स्कोडा से एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट की साइट पर पुलिस पहुंच चुकी थी। शायद किसी भले इंसान ने सड़क पे पड़े उस आदमी की मदद करने की चॉइस की थी। पुलिस इंस्पेक्टर डेविड गाड़ियों की लाइट में जमीन पे छानबीन कर रहे थे कि कोई सुराग मिल जाए। तभी एक कांस्टेबल आया और उसने इंस्पेक्टर से कहा, सर ये टायर के निशान से लगता है कि स्कोडा गाड़ी थी जिसने इस आदमी को टक्कर मारी, और जहां पे गाड़ी के टायर के निशान खत्म हुए वहां ये लाइटर मिला है। वो कांस्टेबल इंस्पेक्टर डेविड को लाइटर देके चला गया। डेविड ने लाइटर को ध्यान से देखा और तभी उसकी नजर उस लाइटर पे लिखे नाम पे पड़ी। बड़ा ही अजीब नाम है ये तो, आर्ची। कौन हो सकता है ये आर्ची? जरूर किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखता होगा। एक तरफ आर्ची का लाइटर इंस्पेक्टर डेविड ध्यान से देख सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हजारों मील दूर निकला आर्ची गजल की बाहों में बेखबर था कि उसके चारों तरफ की दुनिया में क्या हो रहा है। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। एक पल के लिए आर्ची हिचकिचाया, लेकिन जब गजल ने उसके कान के पास गहरी सांसें लेनी शुरू कर दी तो फिर आर्ची का मन भी उसके बस में ना रहा। उसने गजल के कोमल होठों पर अपने होंठ रख दिए। गजल ने जोर से आर्ची को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब आर्ची उत्तेजना की चरम सीमा पर था, बेखबर इस बात से कि ऊपर की बर्थ पे लेटा वो मोटा आदमी उनको ना सिर्फ देख रहा था बल्कि अपने मोबाइल पर उनका वीडियो भी बना रहा था। यूं तो अंधेरे में ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन शायद ये उस आदमी की लाइफ का कोई हाई पॉइंट था जिसको वो अपने मोबाइल में कैद करना चाह रहा था। आर्ची के लास्ट ब्रेकअप को 5 महीने बीत चुके थे और इस बीच वो सबसे ज्यादा शारीरिक नजदीकियों को ही मिस करता था, इसलिए उसके इस 5 महीने के उपवास के बाद का प्रसाद आज उसे कुछ ज्यादा ही मीठा लग रहा था। अगली सुबह जब वो दोनों सोकर उठे तो वो मोटा आदमी उसको अलग ही नजर से देखकर मुस्कुरा रहा था और गजल से बोल उठा, अच्छा किया आपने मेरी बात मान ली और उससे दोस्ती कर ली, अच्छा लड़का है वो। ये सुनके गजल को बड़ा अजीब लगा और वो उससे नजरें चुराने लगी, लेकिन शायद उस आदमी के मन में कोई छल कपट नहीं था। वो गजल से बोला, मुंबई का दादर स्टेशन बस आने ही वाला है। ये कहकर वो अपने मोबाइल में बिजी हो गया। ट्रेन के अंदर शोरगुल बढ़ चुका था। तभी आर्ची ने गजल से पूछा, मुंबई में कहाँ रहोगी? गजल का नशा पूरी तरह उतर चुका था और वो अपने पूरे एटीट्यूड में वापस लौट आई थी। उसने पलट कर कहा, पहले कुछ दिन पीजी में रहूंगी, फिर देखूंगी आगे का। एकदम से आर्ची बोल उठा, मेरे साथ रह लो इफ यू डोंट माइंड। आर्ची और गजल के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। गजल पिछली रात को दफन कर आगे बढ़ना चाहती थी, वहीं आर्ची शायद उसी रात में जीना चाहता था। लेकिन फिर ये कैसा बेतुका सवाल हुआ? कुछ सोचकर गजल ने रूडली जवाब दिया,
तुम मेरे वन नाइट स्टैंड थे, बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। आर्ची ने हैरानी से गजल को देखा और सोचा, ये लड़की साइको है क्या? कल रात कुछ और ही थी और अब देखो। खैर, मैं भी कौन सा इसके साथ किसी रिलेशनशिप में पढ़ना चाहता हूँ। अगले ही पल आर्ची ट्रेन से उतर कर प्लेटफॉर्म की भीड़ में गुम हो गया। क्या एक नई मोहब्बत की कहानी शुरू होने से पहले यूं ही खत्म हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कहते हैं जब किसी इंसान को कामदेव का तीर लगता है तो मोहब्बत नाम के कांटे से दामन छुड़ाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। गजल अपना सामान लेकर जैसे ही ट्रेन के गेट तक पहुंची, उसका मोबाइल बज उठा। गजल के फोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई। ये उसकी सौतेली माँ रीना थी। हेलो गजल, तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ है, वो आईसीयू में है और उनकी तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें याद कर रहे हैं। क्या मिलने आ सकती हो? कहाँ हो तुम? तेजी से गजल के चेहरे के भाव बदल गए। उसने बहुत ही तल्ख स्वर में कहा, जहन्नुम में आना पॉसिबल नहीं और प्लीज अब कॉल मत करना। एक पल में गजल के सामने उसका अतीत एक स्लाइड शो की तरह गुजर गया, जिसमें उसकी सगी माँ के साथ बॉन्डिंग, उसके मॉम डैड के झगड़े, उसके डैड का उसकी माँ को तकलीफ देना, उसकी माँ का पंखे से लटकता हुआ चेहरा और उसका अकेला बचपन, इन कड़वी यादों ने मिलकर 23 साल की गजल को समय से बहुत पहले मैच्योर कर दिया था। शायद यही कारण था कि वो जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल थी और इमोशंस कभी किसी को दिखाती नहीं थी। लेकिन ऐसे कमजोर पलों में जब उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे, तो वो कुछ अजीब कर देती थी। आंसुओं से भरी हुई आंखों से गजल ने प्लेटफॉर्म से गुजरते अनजान लोगों की भीड़ को देखा और सोचा, क्या इस भीड़ में ऐसा एक भी इंसान है जिस पर मैं कुछ पलों के लिए भरोसा कर सकूं? क्या ऐसा कोई है जिसके सहारे मैं अपने इमीडिएट क्राइसिस से बाहर निकल सकूं? कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो गजल को भी जन समुद्र में एक सहारा मिला। गजल ने तभी प्लेटफॉर्म पर दौड़ना शुरू कर दिया। आर्ची ने अभी अभी एक पानी की बोतल खरीदी थी और उसे मुंह से लगाकर पी रहा था। अचानक उसे कंधे पर जोर से किसी का हाथ पड़ने का एहसास हुआ। जब वो पीछे मुड़ा तो गजल को देख वो हैरान रह गया। उसे गजल के हाथ में बंधा रक्षा सूत्र भी दिखा, जो उसे कल की सभी घटनाओं की याद दिला गया। गजल ने मासूमियत से पूछा, घर कौन से एरिया में है तुम्हारा? अंधेरी स्टेशन के नजदीक, आर्ची ने जवाब दिया और सोचा, कहीं मैं सच में किसी साइको के चक्कर में तो नहीं पड़ने वाला हूं। 2 मिनट नहीं लगे इसे अपना फैसला बदलने में। क्या ये किसी और इंटेंशन से मेरी जिंदगी में आई है? गजल ने आर्ची के कंधे पर जोर से मारते हुए कहा, चल क्यों नहीं रहे? आर्ची कुछ ना बोला। दोनों मुंबई सेंट्रल स्टेशन से निकले और जीपीएस की मदद से उस एड्रेस पे पहुंचे, जहां आर्ची ने अंधेरी स्टेशन के पास 2 कमरों का फुली फर्निश्ड फ्लैट पहले से ही ऑनलाइन रेंट पर ले लिया था। उन दोनों ने अपना सामान फ्लैट पर रखा और जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने अपने नए ऑफिस के लिए चल दिए। आर्ची का ऑफिस एक MNC में था, जहां उसका पहला दिन काफी अच्छा गुजरा। उसने अपने नए बॉस और ऑफिस एम्प्लॉयज को पहले दिन ही काफी इंप्रेस कर लिया। जब उसकी शिफ्ट खत्म हुई और वो घर के लिए निकला, तो उसने घर पैदल जाने का फैसला किया, क्योंकि उसका घर ऑफिस से सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। आर्ची को गजल से मिलने की जल्दी थी। घर पहुंचकर आर्ची ने देखा कि गजल पपीता खा रही थी। आर्ची ने प्लेट में से एक पपीते का टुकड़ा उठा लिया और बोला, मेरा चाय पीने का मन है। गजल गुस्से से बोली, तुम्हें पता है यहां से मेरा ऑफिस 1 घंटे की दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे हर रोज ऑफिस जाने के लिए 1 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। और इस घर में राशन का सामान क्यों नहीं है? मुझे रात के 10 बजे फ्रूट्स खाकर काम चलाना पड़ रहा है और उसमें भी तुम हिस्सेदार बनने चले आए। आर्ची को गजल की ये बात बड़ी अजीब लगी। खाने के लिए कौन टोकता है? बोला, गजल मैम, पहली बात, मुझे नहीं पता था कि ट्रेन में मुझे ऐसी लड़की मिलेगी जिसके साथ मैं लिव इन करूंगा, और ये कि उसका ऑफिस इस घर से 1 घंटे की दूरी पर होगा। मैंने ये घर अपने ऑफिस के नजदीक लिया था। दूसरी बात, मैं भी आज तुम्हारे साथ ही यहां से आया हूं, तो राशन का सामान लाना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एम आई क्लियर? गजल तैश में उठी और उसने आर्ची के कॉलर को जोर से पकड़कर कहा, पहली बात, मैं तुम्हारे साथ लिव इन में नहीं हूं। एक बार हुकअप क्या कर लिया, तुम तो चिपकू बन गए।
इस फ्लैट का आधा रेंट मैं दूंगी और कल सुबह आधा राशन भी ले आऊंगी। लेकिन तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी। ट्रीट मी एज योर फ्लैटमेट ओनली। एम आई क्लियर? आर्ची गजल को हैरानी में देखने लगा और समझने की कोशिश करने लगा, ये मैं कहां फंस रहा हूं? क्या आर्ची और गजल फ्लैटमेट के अलावा भी कुछ और बन पाएंगे? क्या कोई रिश्ता बन पाएगा दोनों के बीच में? जानने के लिए सुनते रहिए लव एनकाउंटर ओनली ऑन पॉकेट FM। आर्ची ने गुस्से से हांफती गजल को देखना शुरू किया। ट्रांसपेरेंट टॉप से उसका आकर्षक शरीर बाहर झांक रहा था। गजल की डेनिम शॉर्ट्स के नीचे खुले हुए सुडौल पैर आर्ची को एक्साइट करने लगे। बहुत गुस्से में दिख रही है, ऐसे मौके पर मैं अगर इससे फिजिकल होने की बात करूंगा तो क्या ये मानेगी? बड़ी मुश्किल से आर्ची ने अपने आप को कंट्रोल किया और जवाब दिया, मैं भी तुम्हें यहां फ्लैटमेट ही बनाने लाया हूं, गर्लफ्रेंड नहीं। तुम जैसी लड़की वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। ये कहते हुए आर्ची अपना चेहरा गजल के बहुत नजदीक ले आया था। गजल के लिए ये बात किसी गाली से कम नहीं थी। एक बार फिर से उसने आर्ची का कॉलर पकड़ लिया और तेज आवाज में कहा, व्हाट डू यू मीन बाय मेरे जैसी लड़की? कल रात ट्रेन में तो मेरी कंपनी बहुत एंजॉय कर रहे थे और आज मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लायक नहीं, क्यों? एक बार फिर से आर्ची और गजल बहुत करीब आ गए थे। दोनों की तेज और बेकाबू सांसें एक दूसरे की सांसों में उलझ रही थी। जब आर्ची के लिए खुद को संभालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, उसने झटके से गजल को उसकी कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच कर कहा, करना है? गजल ने भरी सांसों से कहा, ऐसे मत बोलो, सुनने में चीप लग रहा है। आर्ची ने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, तो तुम उसे क्या बोलती हो? गजल ने कहा, विटामिन एस, हम लड़कियां उसे कॉलेज में विटामिन एस बुलाते थे। आर्ची ने कहा, विटामिन एस का इंजेक्शन चाहिए? गजल हंस पड़ी और बोली, यस डॉक्टर प्लीज। गजल ने आर्ची के चेहरे को अपने हाथों में जोर से पकड़ा और एक बहुत ही पैशनेट किस उसके होंठों पर रख दिया। फौरन आर्ची ने गजल को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेडरूम में ले जाकर बेड पर पैशनेटली पटक दिया। बहुत आकर्षक पर्सनैलिटी के साथ साथ आर्ची का बचपन बहुत ऐशो आराम में गुजरा था, इसलिए उसके पास गर्लफ्रेंड्स की कभी कमी नहीं थी। फिर भी वो लड़कियों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, खासकर उन प्यार के पलों में, और गजल को आर्ची की यही बात बहुत पसंद आ रही थी। वो दोनों कई घंटों तक एक दूसरे में डूबे रहे। उसके बाद गजल अपने कमरे में सोने चली गई। अगली सुबह जब सूरज की किरणों से आर्ची की आंखें खुली तो उसने गजल को अपने ऊपर लेटा पाया। वो उसके चेहरे को धीरे से सहला रही थी। इससे अच्छी सुबह एक आदमी के लिए और क्या हो सकती है? आर्ची गजल के टच को एंजॉय करने लगा और गजल के बैक पर धीरे धीरे अपना हाथ फेर रहा था और बोला, तुम ऐसे अच्छी लगती हो, लड़ते हुए नहीं। अचानक आर्ची को अपने सर पर चोट लगने का एहसास हुआ। उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली तो उसे सपने से जागने का एहसास हुआ। सामने गजल पूरी तरह तैयार खड़ी थी। तुम अभी तक क्यों सो रहे हो? आर्ची ने तुरंत कहा, क्योंकि आज सैटरडे है, ऑफिस की छुट्टी है। हाँ आज सैटरडे है इसीलिए तो, चलो घर का जरूरी सामान ले आते हैं, गजल ने कहा। अभी कुछ सेकंड पहले आर्ची के सपने में गजल उससे प्यार कर रही थी, लेकिन सपने से जागते ही उसका ये बीवी वाला रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आर्ची उन मर्दों में से था जिनके दो मूड, दो पर्सनैलिटी होते हैं, दुनिया के लिए कट्टू-कट, लेकिन एक खूबसूरत लड़की के लिए दिल फेंक, एकदम जेन्युइन, दिल से। लेकिन अभी आर्ची कंफ्यूज था, ये गजल कैसी है, किस तरह की लड़की है? आर्ची ने अंगड़ाई लेते हुए अपने कट-टू-कट अंदाज में कहा, फ्लैटमेट हो, बिहेव लाइक वन, गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें जो भी सामान चाहिए ले आओ और बिल का आधा अमाउंट बता देना, मैं ऑनलाइन पे कर दूंगा। और हाँ सुनो, जाने से पहले मेरा दरवाजा बंद कर देना। गजल को गुस्सा तो बहुत आया। कुछ देर वो आर्ची की तरफ देखती रही, लेकिन फिर उसने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे कह रही हो देख लूंगी, और वहां से निकल गई। जाते जाते उसने सुना कि आर्ची का मोबाइल रिंग कर रहा था।
आर्ची ने अलसाई आवाज में फोन पर कहा, हे एंजल, मेरी परी 4 दिन से कहाँ गायब थी? तुम्हें पता है मैंने कितना मिस किया तुम्हें। एक पल के लिए जाती हुई गजल रुक गई और उसने सोचा, तो इसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी मेरे साथ हुकअप कर रहा है, कितना बड़ा रास्कल है ये। पर छोड़ो, मुझे क्या करना है इसकी पर्सनल लाइफ से, मैं कौन सी सच में इसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। ऑटो में बैठ गजल ने GPS ऑन किया और ऑटो वाले को डायरेक्शंस देने लगी। आर्ची की नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। वो परी से बातें कर रहा था। परी उसकी कई सालों से दोस्त थी, एक तरीके से वो उसकी सीक्रेट पार्टनर थी। जिंदगी में आर्ची कुछ भी अच्छा या बुरा करे, लेकिन परी उसके लिए हमेशा खड़ी रहती थी। परी आर्ची को सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिली थी। जब आर्ची 14 साल का था तो 16 साल की परी से उसकी दोस्ती हो गई थी। उम्र के जिस पड़ाव पे परी उसे मिली थी, आर्ची बचपन से बहुत अकेला था, इसलिए जब उसे कोई ऐसा मिला जो उसकी बातें सुनता था, उसे समझता था, तो उसे उसने अपना सोलमेट मान लिया। लेकिन हर कदम पर आर्ची का साथ देने वाली परी भी आर्ची को क्या सिर्फ इतना ही मानती थी? वर्क लोड, यू नो, तुम बताओ ना, नया ऑफिस कैसा है? कोई नई लव इंटरेस्ट मिली क्या? तुम्हारा ब्रेकअप हुए कई महीने गुजर गए, मुझे लगता है ये तुम्हारा सबसे लंबा ब्रेक है गर्लफ्रेंड से, परी ने शरारती अंदाज में कहा। ओ वेट बेबी, इतने सारे सवाल एक साथ पूछोगी तो मैं फिर से सो जाऊंगा। नया ऑफिस कूल है, और हाँ, लाइफ में मुझे गर्लफ्रेंड नहीं, विटामिन एस की जरूरत है। अच्छा सुनो, वॉशरूम जा रहा हूँ, बाय। कहकर आर्ची ने परी का जवाब सुने बिना फोन काट दिया। पता नहीं क्यों उसने परी को गजल के बारे में नहीं बताया। इसके पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था। वो अपनी जिंदगी की सारी बातें परी को बता देता था, लेकिन इसके पहले वो कभी किसी लड़की के साथ एक फ्लैट में भी तो नहीं रहा था। गजल जब शॉपिंग करके वापस आई तो उसने देखा कि आर्ची ने पूरा घर अस्त व्यस्त कर रखा है। वो आराम से सोफे पर बैठकर तेज आवाज में टीवी देख रहा था। ये देखकर सफाई पसंद गजल के गुस्से का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपने सामान का थैला लिविंग रूम में पटक दिया और जोर से बोली, इधर सुनो, ये बॉयज हॉस्टल नहीं है, तो सफाई की आधी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो मेस तुमने फैलाया है उसे साफ करो पहले, उसके बाद ये राशन किचन में सही से लगाओ। आर्ची हड़बड़ाते हुए सोफे से उठा। उसके घर में नौकरों की कमी नहीं थी और उसे काम करने की कभी आदत भी नहीं थी। ये पहली बार था जब कोई उसे काम करने के लिए हुक्म दे रहा था। उसने इरिटेटिंग टोन में कहा, तुम्हें उंगली क्या पकड़ाई, तुम तो सीधे गले पे आ गई। मुझे रिग्रेट करने पर मजबूर मत करो कि तुमको यहाँ लाकर मैंने गलती कर दी। मेरी अपनी एक लाइफस्टाइल है, तुम उसमें दखल मत दो, और फ्रैंकली मैं तुम्हारी में भी नहीं दूंगा। तुम जो भी सामान लाइयो उसे किचन काउंटर पर रख देता हूँ, तुम अपनी जरूरत का उसमें से यूज कर लेना और मैं अपनी। ये क्या बात हुई, राशन किचन में सही से लगाओ, आर्ची थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला। आर्ची वहां से चला गया। पूरी शाम गजल और आर्ची अपने अपने कमरों से बाहर नहीं निकले। जब रात हुई तो गजल को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसके कानों में बार बार आर्ची के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे, मुझे रिग्रेट करने पर मजबूर मत करो कि तुमको यहां पर लाकर मैंने गलती कर दी। गजल ने कई बार खुद को रोका आर्ची के पास जाकर उससे इस बात पर लड़ने से, लेकिन अब उसका मन रोके नहीं रुक रहा था। वो किसी भी तरह आर्ची के पास जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसने अपने आप को जबरदस्ती रोका। आईने के सामने खड़ी होके वो बाल बनाने लगी। फिर उसने वहां रखा डियो उठाया और अपने बगल में लगाया। फिर उसने अपना कुर्ता उठाया और उसके अंदर भी स्प्रे किया। फिर स्माइल करने लगी। क्या वो सच में लड़ने के लिए आर्ची के कमरे में जाना चाहती थी, या उसे बेकरारी हो रही थी? गजल ने पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया था एक लड़के के लिए। क्या था ऐसा आर्ची में जो उसे इतना इन्वॉल्व करता जा रहा था? उसके लुक्स नहीं, गजल ने बहुत लड़के देखे थे लाइफ में, एक से बढ़कर एक। ये अट्रैक्शन शायद इसलिए था क्योंकि आर्ची जेन्युइन थी, उसकी बेरुखी भी जेन्युइन थी। इनफैक्ट उसके लुक्स और बिहेवियर भी बिना मिलावट के थे। शायद आर्ची कभी ब्यूटी पार्लर भी नहीं गया होगा, कैसे जंगल की तरह उसके बाल थे, और ऐसा ही आजाद उसका एटीट्यूड भी। गजल ने एक्सेप्ट किया कि वो आर्ची को देखना चाहती थी, उसे महसूस करना चाहती थी। वो इस बात से इरिटेट हो रही थी कि उसे क्या हो रहा है। आखिर आर्ची उसकी जिंदगी का पहला लव एनकाउंटर नहीं है।
वो तो किसी भी रिलेशनशिप में कमिटेड होना ही नहीं चाहती थी और ना ही कभी हुई थी। वन नाइट स्टैंड के बाद उसने पलट कर आज तक कभी भी अपने किसी पार्टनर को नहीं देखा था। फिर इस बदतमीज आर्ची में ऐसा क्या है जो वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचती चली जा रही है। उसे जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगले ही मिनट गजल आर्ची के रूम का दरवाजा खटखटा रही थी। कुछ मिनटों के बाद आर्ची ने जब दरवाजा खोला तो वो पसीने से तरबतर था। शायद वो अपने किसी प्राइवेट मोमेंट में था जिसमें गजल का खलल डालना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दरवाजा आधा खोल के उसने पूछा, क्या चाहिए? आर्ची की स्लीवलेस टी शर्ट से झांकते उसके बाइसेप्स पसीने से भीगे हुए थे। आर्ची के लंबे बाल उसकी आंखों पे झूल रहे थे। गजल आर्ची के आकर्षण से उसकी तरफ चुंबक की तरह खींचने लगी। अगले ही पल गजल ने आर्ची को पीछे की तरफ धकेलना शुरू किया। आर्ची इस बिहेवियर के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा वो अपना बैलेंस खोते हुए साइड में लगे सोफे पे गिर गया। अब गजल ने आर्ची को बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया, जिसका जवाब आर्ची ने भी अपने पैशनेट किस से दिया। अगले बहुत देर तक वे दोनों प्यार के तूफान में लगातार दौड़ते रहे। जब वे दोनों थोड़ा रिलैक्स हुए तो आर्ची ने पूछा, आई गेस यू लाइक मी? इस सवाल पर गजल की जोरदार हंसी ने आर्ची को चौंका दिया। पिछले दो दिनों में उसने पहली बार गजल को इस तरह हंसते देखा था। वो चिढ़ते हुए बोला, इसमें हंसने की क्या बात है? गजल ने कहा, तुमको लाइक करेगी गजल खन्ना, शक्ल देखी आईने में। आर्ची ने गजल के इस ताने को ईगो पे ले लिया और बाहर जाती हुई गजल को जोर से पकड़कर दीवार से सटा दिया और उसके चेहरे के करीब अपने चेहरे को लाकर बोला, अगर मेरी शक्ल इतनी बुरी होती ना तो तुमने कल मेरे साथ 3 बार विटामिन एस नहीं खाया होता, समझी? गजल आर्ची के सीधे सवाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बोल्ड और आत्मविश्वासी गजल को आर्ची ने शर्माने पर मजबूर कर दिया था। नजरें झुकाते हुए उसने धीरे से कहा, छोड़ो आर्ची, दर्द हो रहा है। तुरंत ही आर्ची को अपनी कठोरता का एहसास हुआ और उसने गजल को आहिस्ता से छोड़ दिया और एक बार फिर से गजल के कानों के पास अपने चेहरे को ले जाकर बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बोला, एक और इंजेक्शन चाहिए विटामिन एस का। गजल ने धीरे से आर्ची को उसकी कमर से पकड़ा और कहा, सही सुना था, लड़के दिमाग से नहीं कहीं और से सोचते हैं। जिस अंदाज में गजल ने ये बात कही थी उसने आर्ची और गजल दोनों को हंसने पर मजबूर कर दिया। तभी वहां रखा गजल का फोन बज उठा। स्क्रीन पे माँ कॉलिंग आ रहा था। गजल फोन की तरफ देखकर टेंस हो गई। पूरी रिंग जाने के बाद फोन फिर से बजा, लेकिन अब गजल ने कॉल काट दी और अपना सर पकड़ लिया। फिक्र करते हुए आर्ची ने कहा, तुम्हारी माँ का कॉल है, बात कर लो। लेकिन गजल का रिएक्शन देखकर आर्ची डर गया। चिल्लाकर गजल ने कहा, माँ नहीं, मेरी दुश्मन है ये औरत, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आई हेट हर। किस वजह से गजल अपनी माँ से बात नहीं करना चाहती थी, कैसे उसकी माँ ने उसकी जिंदगी बर्बाद की और क्यों वो अपनी माँ से नफरत करती थी, जानने के लिए सुनते रहिए लव एनकाउंटर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आर्ची ने गजल को एक गिलास पानी दिया और बोला, यार फ्रैंकली मेरी इस दुनिया में किसी से नहीं बनती। ये कहकर आर्ची चुप हो गया। गजल ने पानी पीते पीते कहा, मेरी माँ मर चुकी है, ये मेरे पापा की वाइफ है। ये सुनकर आर्ची चुप हो गया। कितना अजीब है ये रिश्ता, जहां दो अजनबी फिजिकली एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं लेकिन उन दोनों की जिंदगी उनके लिए अभी भी एक पहेली है। कभी कभी लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं, बिना एक दूसरे को समझे, बिना एक दूसरे को जाने। थोड़ी देर बाद जब गजल किचन में अपने लिए नूडल्स बना रही थी तो आर्ची भी वहां पहुंच गया। नूडल्स खाते हुए आर्ची ने गजल से पूछा, सुपरस्टार एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ में दोस्त हैं क्या? क्यों? गजल ने पूछा। आर्ची ने मजाक में कहा, इतनी तेवर वाली जो हो। इस सवाल ने गजल को एक बार फिर सीरियस कर दिया। उसने फोक को नूडल्स में घुमाते हुए कहा,
तेवर कोई लेकर पैदा नहीं होता आर्ची, हालात उसे ऐसा बना देते हैं। 6 साल की थी जब मेरी माँ ने सुसाइड कर लिया था। आज भी पंखे से लटकता उनका चेहरा मुझे नींद से जगा देता है। पता है, मेरी माँ बहुत सुंदर थी, लेकिन जब वो मर गई तो मुझे उनसे डर लगने लगा। सबने कहा कि अब वो जा रही है और कभी लौट कर नहीं आएगी, तो मैं उसे अंतिम बार देख लूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मेरी आंखों में आज भी बस पंखे से लटकता उनका चेहरा कैद है। आर्ची हैरानी से गजल का चेहरा देख रहा था। इस टॉम बॉयश लड़की के अंदर इतना दर्द छुपा है वो सोच भी नहीं सकता था। उसके मन में आया कि अभी उठकर उसे जोर से गले से लगा ले, लेकिन वो गजल को अपना ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता था कि वो उसे कमजोर समझता है। उसने पूछा, तुम्हारी माँ ने ये क्यों किया था? गजल ने नूडल्स खाते हुए शांति से जवाब दिया, मेरे डैड के कारण। अगले ही पल हैरानी से गजल की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि आर्ची ने उसे बहुत जोर से अपनी बाहों में जकड़ रखा था। ये पहली बार था जब गजल को किसी ऐसे कमजोर पल में किसी ने इस तरह दिलासा दिया था। आर्ची भी अपने आप में थोड़ा हैरान था, क्योंकि वो गजल को गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाया था। उन दोनों के रिश्ते में प्यार का तो पता नहीं, लेकिन आकर्षण ने दस्तक जरूर दे दी थी। अगले कुछ घंटों तक वे दोनों आर्ची के बेड पर लेटकर बातें कर रहे थे। न जाने कब आर्ची की आंख लग गई, और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि गजल जाग रही थी। क्या बात है यार, आर्ची ने अलसाई आवाज में पूछा। उसको इतनी नींद आ रही थी कि वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। मैं सो नहीं पा रही हूं, गजल अंगड़ाई लेते हुए बोली। कितना टाइम हो रहा है, क्या तुम थकी नहीं हो? वैसे तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? अब आर्ची ने आंख खोलते हुए गजल को देखा। यार मैं तो बहुत थक गया हूं, 2 रातों से बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एक तो ट्रेन का शोर और कुछ तुम्हारा शोर, आर्ची ने आंख मारते हुए गजल से कहा। मैं जब कहीं नई जगह जाती हूं तो मुझे जल्दी नींद नहीं आती, क्यों नहीं समझ रहे हो? गजल ने इरिटेटेड टोन में कहा। क्या समझना है? आर्ची को समझ नहीं आया कि गजल क्या कहने की कोशिश कर रही थी, और उसमें बहुत ज्यादा सोचने की इच्छा नहीं थी इस टाइम। मेरे साथ यहीं सो जाओ, लेकिन कोई शरारत किए बिना। मेरे सो जाने के बाद तुम वापस अपने बिस्तर पर जाकर सो जाना। 1 मिनट रुको, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से कुछ कर सकता हूं? ये कहते हुए आर्ची एक्साइटेड हो गया। मेरा मानना है कि तुम उस तरह के आदमी नहीं हो। अगर मुझे तुम पर यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कैसे राजी होती? तुम मेरी मर्जी के बिना ना तो कुछ करोगे, और अगर चाहो तो भी नहीं कर सकते। ओ मैम, तारीफ कर रही हो या चैलेंज? सुनो, इतना बटर मत लगाओ। वैसे अपनी तारीफ सुनने के बाद आर्ची को अच्छा महसूस हो रहा था। इस बार तुम मेरे बिस्तर पर आ जाओ, ये कहकर गजल ने आर्ची का हाथ खींचा और उसे अपने बिस्तर तक ले आई। तुम इसे मेरा बिस्तर कैसे कह सकती हो? ये तो हमारा बिस्तर होना चाहिए, आर्ची बिस्तर पर लेटते हुए बोला। अच्छा, ये हमारा बिस्तर है, लेकिन क्या मैं इसका कारण जान सकती हूं? गजल ने पूछा। क्योंकि ये बेड किंग साइज है, लेटा हुआ आर्ची गजल को देख रहा था। अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम्हारा छोटा बेड हमारे लिए ज्यादा कोजी है। गजल ने हंसते हुए आर्ची और अपने बीच में एक बड़ा सा तकिया रखते हुए बोला। ओ माय गॉड, आर्ची तकिए को देखते हुए बोला। एक ही पलंग पर लेटे हुए आर्ची और गजल दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी, खासकर रात के अंधेरे में, जब एक मर्द और एक औरत जो एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हों, जब एक ही बिस्तर पर लेटे हों तो उनके अरमान उनके वश में नहीं रहते। उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन वो जानते थे कि दूसरा सो नहीं रहा था। तभी गजल ने चुप्पी तोड़ी। तुम सो गए हो क्या? सोने की कोशिश कर रहा हूं, आर्ची ने जवाब दिया। तुम क्या सोच रहे हो? गजल ने फिर से पूछा। कुछ खास नहीं, आर्ची ने करवट बदलते हुए कहा। लायर, जब तुम मेरे साथ हो तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम इस टाइम कुछ भी नहीं सोचोगे मेरे अलावा, गजल ने अपने मन में सोचा और कहा। मुझे लगता है तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, वैसे मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूं। क्या करूं,
मुझे अकेले सोने में डर लगता है, इसलिए जल्दी नींद नहीं आती। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों कितने अजीब हैं। हम पहली बार एक दूसरे से मिले और मिलते ही सारी हदें तोड़ दी। 1000 मील का फासला था हम दोनों के बीच, फिर भी हम दो अजनबी एक पल में इतने करीब कैसे आ गए, आर्ची ने कहा। लेकिन अगले ही पल उसने टॉपिक बदल दिया। अगर तुम अकेले नहीं सो सकती हो तो मुझसे मिलने से पहले कैसे सोती थी? अचानक गजल ने बीच में रखे तकिए को हटा दिया और आर्ची के सीने पर झुकते हुए बोली, बेवकूफ, किसने कहा मैं सोती थी? वैसे ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ बिस्तर पर सोने की एक वजह खोजना चाहती थी। गजल की आवाज अचानक धीमी हो गई। अब हम साथ में ऐसे ही सोएंगे, बिना कुछ किए। गजल की कोमल आवाज सुनकर आर्ची के शरीर में हलचल होने लगी और फिर आर्ची ने अपना हाथ गजल के शरीर की ओर बढ़ाया। गजल उसे रोकना चाहती थी लेकिन उसका पूरा शरीर बेजान हो रहा था। कुछ देर छीना झपटी करने के बाद जब गजल कामयाब नहीं हुई तो उसने अपने आप को आर्ची की बाहों में छोड़ दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत बेशर्म हो तुम, गजल थोड़ा शर्माते हुए बोली। जब उन दोनों ने अपने प्यार का सफर खत्म किया तो गजल आर्ची की बाहों में लेट गई और उसने आर्ची की कमर पर अपना हाथ रखा। आर्ची ने गजल की चिकनी पीठ को सहलाया। गजल चुप थी। आर्ची ने अचानक महसूस किया कि उसकी त्वचा गर्म हो रही है। अचानक गजल रोने लगी। गजल, तुम रो क्यों रही हो? आर्ची ने हैरानी से पूछा। गजल कुछ नहीं बोली। डोंट क्राई डियर, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूंगा, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, अगर तुम चाहोगी तो तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। आर्ची ने जल्दबाजी में गजल को दिलासा दिया और उसके कंधों को थपथपाया। तुम्हें ऐसा कहने के लिए किसने कहा? तुम क्या जानते हो? गजल ने अपने आंसू पोंछे और रोना बंद कर कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कई बार खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूं, इसलिए रो रही हूं। ओह डार्लिंग, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, शायद मेरा प्यार कुछ ज्यादा ही पैशनेट था। आर्ची ने प्यार से गजल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं, तुमने मुझे हर्ट नहीं किया, मैं चाहती थी कि तुम वैसा करो, गजल ने कहा और बेड पर पड़ी चादर को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया, फिर बैठ गई। आर्ची, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? क्या? आर्ची को गजल का मतलब समझ में नहीं आया। मेरा मतलब, हम दोनों के बीच ये क्या हो रहा है? गजल ने आर्ची की ओर देखा और पूछा, क्या हम थोड़े ज्यादा तेज नहीं जा रहे? हम अभी तक एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं, तुम्हें क्या लगता है ये सेक्स है या प्यार? गजल आर्ची को एक टक देखती जा रही थी। ये आर्ची ने एक पल के लिए सोचा, कायदे से तो ये उस तरह का प्यार होना चाहिए जो पहली नजर में हो जाए, पहली नजर का मासूम प्यार। मगर यहां एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे प्यार पर भरोसा ही नहीं, एक टाइम के बाद ये मुझे बोर कर देता है, आई कीप चेंजिंग। लेकिन अगर उसे ये बात बताऊंगा तो ये हर्ट हो जाएगी और फिर से रोना शुरू कर देगी शायद, आर्ची ने गजल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय में हैं, हमारी दिमागी जरूरतों के अलावा शारीरिक जरूरतें भी हैं, या यूं कहें हम पहले सेक्स कर रहे हैं और फिर शायद आगे चलकर प्यार करेंगे। आर्ची बिना रुके बात कर रहा था जैसे कि वो कोई मनोवैज्ञानिक हो। गजल आर्ची के विचारों से सहमत लग रही थी। वैसे मुझे तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा मिजाज, ये समझ लो तुम पूरी की पूरी अच्छी लगी, ये कहते हुए आर्ची ने एक बार फिर गजल को अपनी बाहों में ले लिया। गजल ने आर्ची के गाल को जोश से चूमा। गजल, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आर्ची ने गजल को गले से लगाया और उसके होंठ और चेहरे को चूमा। पहले ही देर हो चुकी है, चलो जल्दी करो और सो जाओ, कल हमें ऑफिस भी तो जाना है, गजल ने लेटते हुए कहा। गुड नाइट गजल, आर्ची ने गजल के माथे पर किस करते हुए कहा। गलत, अब तो गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, गजल हंसते हुए बोली। गजल ने खुद को आर्ची की बाहों के घेरे में ले लिया। अगली सुबह जब आर्ची की आंख खुली तो खाना पकाने की आवाज और खुशबू से वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे अभी और सोना था तो वो फिर से सो गया।
उठो सुस्तराम, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम्हारी चाय टेबल पर रखी है, बाय। जाते जाते गजल ने आर्ची के शरीर पर से चादर को खींच लिया। अपने अंडरगारमेंट्स में आर्ची सुबह सुबह बहुत हॉट दिख रहा था, लेकिन गजल के पास इस पर रिएक्ट करने का टाइम नहीं था। जब आर्ची किचन में नाश्ता लेने गया तो उसने पाया कि गजल ने चाय के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। सच में ये लड़की पूरी साइको है, रात में कुछ और दिन में कुछ और, मेरे लिए नाश्ता तक नहीं बनाया। क्या गैर जिम्मेदार आर्ची और अकेलेपन से जूझती गजल सच में एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? क्या वाकई इन दोनों का रिश्ता केवल सेक्स पर आधारित है? जानने के लिए सुनते रहिए लव एनकाउंटर ओनली ऑन पॉकेट FM। आरजी एक नई जनरेशन का नया खून था, जिसके अंदर एक नया जोश और कुछ कर गुजरने की चाह थी। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसे क्या करना है उसे यही पता नहीं था। आज के युग में ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आरजी जब अपने ऑफिस में पहुंचा तो उसे चारों ओर का माहौल बहुत निराशा से भरा हुआ लग रहा था। कंप्यूटर के सामने बैठे आरजी ने अचंभे से ऑफिस की खिड़की के बाहर देखा। मुंबई में पतझड़ सीजन की शुरुआत वक्त से पहले हो गई थी। सड़कों के किनारे लगे पेड़ अपने पीले पत्तों को गिराना शुरू कर चुके थे। आर्ची इस समय कंप्यूटर के सामने बैठा खुद को थोड़ा अकेला महसूस कर रहा था और अपनी सोच में डूबा हुआ था। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद आर्ची दिल्ली की एक टूरिज्म कंपनी में काम करता था। यूनिवर्सिटी में उसने टूरिज्म की पढ़ाई की थी। उसकी पिछली जॉब में उसने मेहनत की थी, लेकिन उसे एक छोटी सी बात पर बॉस से डांट पड़ी थी। आर्ची इसे सहन नहीं कर पाया और इसलिए उसने जॉब रिजाइन कर दी। उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि वो आगे क्या करेगा। इसके बारे में वो कभी ज्यादा परेशान नहीं होता था, शायद इसलिए कि उसे पता था कि वो एक अमीर फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है। नौकरी तो बस उसकी खुददारी की खुराक थी। उसके गैर जिम्मेदार रवैये को देखते हुए उसकी फैमिली ने भी उस पर ध्यान देना छोड़ दिया था। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद आर्ची को बहुत तेज भूख का एहसास हुआ। उसे सुबह नाश्ता तो नहीं मिला था, ऑफिस कैंटीन का लंच भी उसे कुछ खास पसंद नहीं आया था। आर्ची ने पास के रेस्टोरेंट से एक बर्गर ले लिया और खाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गया। शाम होते ही मुंबई में समुद्र से उठने वाली हवाएं मौसम के मिजाज को बहुत खुशनुमा बना देती हैं। आर्ची एयरफोन पर जस्टिन बीबर के गाने सुनता हुआ अपनी ही धुन में चला जा रहा था। अचानक पीछे से जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर आर्ची ने ईयरफोन कान से बाहर निकाला और पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लड़के की बाइक स्ट्रीट लाइट पोल से टकरा गई थी और वो सड़क पर गिरा हुआ था। उसके सर में काफी चोट आई थी और खून बहुत तेजी से बह रहा था। एक पल में जैसे आर्ची के सामने कुल्लू में हुए एक्सीडेंट की यादें फ्लैश कर गईं। वो आदमी भी तो ऐसे ही खून से लथपथ पड़ा हुआ था और आर्ची डर कर वहां से भाग निकला था। आर्ची का मन बहुत अजीब हो आया। क्या उसे पुलिस से पकड़े जाने का डर था या ये उसके अंदर छिपी गिल्ट की फीलिंग थी? जब आर्ची अपने घर पहुंचा तो उसने देखा गजल पहले से घर में मौजूद थी। आर्ची ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गजल को उसे देखते ही ये समझ में आ गया कि वो कुछ परेशान है। उसी वक्त आर्ची के मोबाइल पर परी का कॉल आ गया। आर्ची के हेलो बोलते ही परी ने चहकते हुए कहा, हे डियर, तुम कैसे हो? कूल, तुम बताओ? आर्ची ने पूछा। परी से बातें करते हुए आर्ची अपने कमरे में चला गया। मुंबई पहुंचकर तुम तो मुझे बिल्कुल ही भूल गए, या फिर ऑफिस में कोई हॉटी मिल गई है? परी ने शरारती अंदाज में पूछा। ऐसा कुछ नहीं है परी, मेरी लाइफ में जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने तुम्हें हमेशा बताया है, आर्ची ने गंभीरता से जवाब दिया। इसको समझते हुए परी ने भी थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा, रिलैक्स, तुम इतना सीरियस क्यों साउंड कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? परेशान हो? कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या शिमला के आसपास कोई एक्सीडेंट वगैरह की कोई न्यूज़ पढ़ी है तुमने? आर्ची का ये सवाल परी को कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत कहा, नहीं, कोई बात है क्या? मुझे बताओ। कोई बात नहीं यार, चलो अब मैं शावर लेने जा रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, बाय। ये कहकर आर्ची शावर लेने चला गया। उस वक्त बहुत रात हो चुकी थी और सड़क पर ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी।
मुझे नहीं लगता मुझे किसी ने वो एक्सीडेंट करते देखा होगा। मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। रिलैक्स आर्ची। आर्ची अपने आप में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद जब आर्ची अपने कमरे से बाहर आया तो गजल ने देखा कि अब वो कुछ ठीक है। गजल सोफे पर बैठकर फ्रूट्स खा रही थी। उसने एक प्लेट आर्ची के लिए भी रखा था। फ्रूट्स खाते हुए आर्ची मुंबई शहर की ओर देखते हुए बालकनी के किनारे खड़ा हो गया। मुंबई शहर, सपनों का शहर। हर रोज यहाँ लाखों लोग अपनी आंखों में सपने भरकर उसे पूरा करने की उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या सबके सपने पूरे हो पाते हैं? इस हर रोज रंग बदलने वाले शहर में लाइफ की वैल्यू भी हर रोज तेजी से बदलती जा रही है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है एक युवा जोड़े का लिव इन रिलेशनशिप में रहना, जिसमें एक युवा जोड़ा बगैर शादी किए एक साथ एक घर में रहते हैं। उनके पास शादी नाम का टैग नहीं होता, लेकिन बाकी सारी जिम्मेदारियां तो चाहे अनचाहे उनके हिस्से में आ ही जाती हैं। गजल यहां आओ। आर्ची ने गजल को बुलाया। किस लिए? गजल रूम की सफाई करते हुए बोली और फिर बालकनी में चली गई। आर्ची ने अपनी उंगली से शहर की ओर इशारा किया और कहा, ये शहर कितना खूबसूरत है ना, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? आर्ची ने गजल की नाक को अपनी उंगली से छूते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, कल एक नया बॉस आने वाला है, बताऊंगी तुम्हें कि वो कैसा है, गजल ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्ची ने तुरंत पूछा, तुम किसी हैंडसम बॉस को एक्सपेक्ट कर रही हो क्या? गजल अपना चेहरा आर्ची के बिल्कुल करीब लेकर आई, इतना करीब कि आर्ची उसकी डीप गले की टी शर्ट से झांकती उसकी क्लीवेज के उतार चढ़ाव के साथ उसकी धड़कनों के रिदम को देख पा रहा था। आर्ची अपने बदन में एक बार फिर से तनाव महसूस कर रहा था, तभी गजल ने धीरे से कहा, शायद। आर्ची ये जवाब सुनकर थोड़ा चिढ़ गया। उसने टॉपिक बदलते हुए तुरंत कहा, फ्यूचर में हम एक दूसरे की कंप्यूटर या फोन चैट और रिकॉर्ड नहीं देखेंगे, और हम एक दूसरे के निजी सामानों को नहीं चेक करेंगे, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? गजल ने गंभीरता से पूछा, क्या तब भी जब हम शादी कर लेंगे? किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगा? आर्ची ने घबराते हुए पूछा। तुम तो बड़े जालसाज हो। गजल ने सोफे पर पड़ा कुशन उठाया और उसे आर्ची के ऊपर फेंक दिया और हंसते हुए कहा, बेवकूफ, सभी लिव इन में रहने वाले जोड़े ऐसे ही होते हैं, कोई भी एक दूसरे की प्राइवेसी में दखल नहीं देता, समझे? क्या पता मेरा फर्स्ट टाइम है ना, बोलता हुआ आर्ची अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तभी उसे पीछे से गजल की आवाज सुनाई दी, मेरा भी आर्ची। पता नहीं क्यों, लेकिन बिना कुछ बात किए वो दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। क्या सच में आज की हाईटेक दुनिया में रोमियो जूलियट वाली मोहब्बत पॉसिबल है? अगर हाँ, तो क्या इनके बीच ऐसी फीलिंग्स डेवलप होने की गुंजाइश है? रात को डिनर के लिए आर्ची ने बाहर से चाइनीज मंगाया था। खाते हुए गजल ने पूछा, तुम कौन से सेक्टर में काम करते हो? मैंने ट्रैवल एंड टूरिज्म में मास्टर्स और मार्केटिंग में डिप्लोमा किया है। मुझे हमेशा से ट्रैवल करना बहुत पसंद था, इसलिए इसे ही अपना प्रोफेशन बना लिया, आर्ची ने जवाब दिया। साउंड्स इंटरेस्टिंग, गजल धीरे से बोली, तुम क्या करती हो? कितना वियर्ड है ना कि हम दोनों एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हाँ, जब पहली बार मिले थे तो एक दूसरे के बारे में कुछ और ही जान लिया था, गजल ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्ची ने गजल की आंखों में देखते हुए कहा, मिस गजल, क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नहीं था? तुम्हारा पता नहीं, पर मेरे लिए था। गजल आर्ची का इशारा समझ गई, लेकिन इस वक्त उसने उस टॉपिक को बदलना सही समझा। मैंने मास्टर्स किया है फॉरेन बिजनेस में, और एक साउथ कोरियन कंपनी में ट्रांसलेटर की जॉब है मेरी यहाँ। नॉट बैड गजल, फॉरेन बिजनेस अच्छा करियर ऑप्शन है, आर्ची ने कहा। उसका खाना खत्म हो चुका था। मैं साउथ कोरियन कंपनी में जॉब को सिर्फ एक करियर ऑप्शन की तरह ही नहीं देखती, मुझे लगता है आगे चलकर शायद वहीं सेटल हो जाना चाहूंगी। मुझे लगता है तुम्हें एक फॉरेन प्रिंस से शादी करके साउथ कोरिया में घर बसा लेना चाहिए, आर्ची ने सोफा से उठते हुए कहा। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, चलो अब मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, गजल ने अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा। आर्ची भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया।
फिर उसने गजल को पीछे से उसकी कमर से पकड़ लिया और मदहोश आवाज में कहा, चलो मीन्स वॉट, आर यू इनवाइटिंग मी इनसाइड। गजल के बदन पे भी आर्ची की छुअन की खुमारी चढ़ने लगी थी, लेकिन वो बहुत थकी हुई थी और आज आर्ची के साथ इंटीमेट होने के मूड में नहीं थी। उसने धीरे से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, गुड नाइट, और अपने रूम में चली गई। आर्ची थोड़ी मायूसी महसूस कर रहा था, भले वो कितना भी नॉर्मल होने की कोशिश करे, लेकिन आज एक्सीडेंट की बात उसे बार बार याद आ रही थी, जिससे वो खुद को काफी परेशान सा महसूस कर रहा था। इसी सोच में डूबा हुआ न जाने कब उसे नींद आ गई। सपने में आर्ची उस जगह पर पहुंच गया जहां उस बाइक वाले लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। आर्ची उस बाइक वाले के पास गया, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, वो लड़का उठकर बैठ गया, जिसका चेहरा देखकर आर्ची को एहसास हुआ कि उसका चेहरा उस आदमी से मिल रहा था जिसका एक्सीडेंट उसने कुल्लू में किया था। उस आदमी के चेहरे से लगातार खून टपक रहा था और उसकी आंखें बंद थीं। अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी और उसकी आंखों से खून की एक धारा बहने लगी। डरता हुआ आर्ची पीछे की तरफ खिसकने लगा। अचानक वो आदमी उठकर खड़ा हो गया और उसने आर्ची को पकड़ने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। आर्ची तेजी से भागने लगा, वो आदमी भी उसका पीछा करने लगा और तभी आर्ची की आंखें खुल गई। वो घबराया हुआ सा उठकर बैठ गया। आर्ची पसीने से भीग गया था, उसे अपने ही कमरे में डर लगने लगा और अचानक ही उसे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। अनजाने में ही आर्ची ने खुद को गजल के दरवाजे पर खड़ा पाया। उस वक्त आर्ची को किसी के सहारे की बहुत जरूरत महसूस हो रही थी। जब वो दिल्ली में रहता था तो ऐसी किसी परेशानी के वक्त वो अपनी इंटरनेट फ्रेंड परी की दोस्ती में अपने लिए सहारा ढूंढ लेता था, लेकिन इस अजनबी शहर में उसे केवल 3 दिन पुरानी इस फ्लैटमेट के सिवा और कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा था। आर्ची ने जोर से गजल के कमरे का दरवाजा खटखटाया। गहरी नींद से जागी हुई उनींदी सी गजल ने जब दरवाजा खोला तो सामने परेशान और हांफते हुए आर्ची को देखकर वो हैरान रह गई। आर्ची ने तुरंत गजल को जोर से अपनी बाहों में भर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे आर्ची गजल में आज पूरी तरह समा जाएगा। गजल हक्की बक्की सी हो गई थी, लेकिन आर्ची की बाहों में खुद को पिघलने से रोक नहीं पा रही थी। क्या आर्ची अपने अतीत से पीछा छुड़ा पाएगा? क्या आर्ची गजल में परी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए लव एनकाउंटर ओनली ऑन पॉकेट FM। अगले ही पल आर्ची ने गजल को जोर से पकड़कर बिस्तर पर छलांग लगा दी और गजल को अपने नीचे दबा दिया। मिस गजल, तुम फ्यूचर में साउथ कोरिया में सेटल होना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंट सिर्फ मेरी बाहों में है और आज तुम्हारा मुझसे बचना नामुमकिन है। आर्ची ने उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए बोला। गजल का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया और फिर उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी हंसी ने आर्ची को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। उसने गजल को हल्के हाथों से सहलाना शुरू कर दिया। बहुत गुदगुदी हो रही है, मेरी मरने वाली हालत हो रही है, मुझे छोड़ दो, हंसते हुए गजल जोर जोर से चिल्ला रही थी। अच्छा, मैं तुम्हें माफ कर दूं, शाम को क्या कह रही थी, चलो। और जब मैं तुम्हारे रूम के डोर तक आया तो अपनी कही बात से पलट गई, सजा तो तुम्हें मिलेगी, फिर उसने शरारती अंदाज में कहा। तुम अभी भी प्रिंस चार्मिंग की तलाश में हो, देखता हूं कि तुम्हें मुझसे ज्यादा कौन चार्म कर सकता है। कहते हैं जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है तो वो कुछ अजीब हरकत करके अपने दिमाग को कहीं और डाइवर्ट करना चाहता है, और इस वक्त शायद आर्ची यही करने की कोशिश कर रहा था। आर्ची अभी पूरी तरह से शरारत के मूड में था। गजल ने दया की गुजारिश की। मेरी हिम्मत नहीं है, मैं फिर से ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करूंगी। अरे यार, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, इनफैक्ट आई एम सॉरी, आर्ची ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब तो मुझे छोड़ दो और मेरी कमर सहलाना बंद करो। अब वे दोनों खेलते खेलते थक गए थे, इसलिए वे आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। जब आर्ची ने गजल को देखा तो उसका चेहरा लाल हो रहा था, तभी उसने गजल को अपनी ओर खींच लिया। गजल थोड़ा विरोध करते हुए चिल्लाई, अब ये किस लिए, क्या ये एक और हमला है? आर्ची उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, मिस गजल,
ये फ्लैट 18वीं मंजिल पर है और यहां से तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। चिल्लाना तो बेकार है, बस अब चुपचाप मेरी बात सुनो। बी जेंटल बैड बॉय। गजल का शरीर अचानक नरम हो गया। थोड़ी देर बाद वे दोनों बहुत थक गए। इसके अलावा वे कल रात भी सही से सोए नहीं थे। दोनों बिस्तर पर लेटे लेटे ही गहरी नींद में सो चुके थे। सुबह 7 बजे तक वे दोनों गहरी नींद में सोए रहे। ओ, बहुत अच्छी नींद आई गजल, उठो। आर्ची अंगड़ाई लेते हुए उठा और बोला। दोनों जल्दी से तैयार होकर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में आर्ची अपने बॉस मिस्टर राजन के साथ दिन भर मीटिंग में बिजी रहा। मीटिंग में ये बात तय हुई कि जल्द ही उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर के मीटिंग में ऑफिस के लिए जाना होगा। ऑफिस से थका हुआ आर्ची जब घर पहुंचा तो गजल लौटकर नहीं आई हुई थी। आर्ची बालकनी में खड़ा होकर गजल का इंतजार करने लगा। गजल उसी वक्त लिफ्ट से बाहर निकली और जब घर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाना शुरू किया तो बालकनी में खड़े आर्ची को डोरबेल की आवाज सुनाई नहीं दी। जब 10 मिनट बाद आर्ची अंदर आया तो उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी और उसने दरवाजा खोला। गुस्से से भरी हुई गजल ने चिल्लाते हुए कहा, बहरे हो गए हो क्या? कब से घंटी बजा रही हूं? अरे मैं तो बालकनी में खड़ा था, आर्ची ने तैश में कहा। मैं तो इसको ही देखने बाहर गया था और इसे देखो, घर आते ही मेरे पर चढ़ रही है, आर्ची ने अपने मन में सोचा। लेकिन अगले ही पल गजल का गुस्सा देखते हुए उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? मेरा मूड बहुत खराब है, मैं आज एक परवर्ट बुड्ढे से मिली। ओह, यू मीन तुम्हारा नया बॉस? आर्ची ने उतावलेपन से पूछा। नहीं, मैं कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मीटिंग के लिए गई थी और वहां के जनरल मैनेजर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। वो जनरल मैनेजर एक बूढ़ा व्यक्ति था। वो मेरी ओर ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे मुझे खाई जाएगा। मुझसे अजीब से सवाल कर रहा था, कहाँ रहती हो, क्या उम्र है, कोई बॉयफ्रेंड है, शाम को छुट्टी के बाद क्या करती हो। ये पूछते हुए वो मेरे पास आ गया और मेरी थाइस पर उसने अपना हाथ रख दिया। कहते हुए गजल एक बार फिर बहुत गुस्से में आ गई। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई। बहुत बड़ा रास्कल रहा होगा वो, अपने केबिन में बुलाकर अपने ही एम्प्लॉय के साथ, कोई इतना कमीना कैसे हो सकता है। आर्ची ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। वो वास्तव में उसको जाकर पीटना चाहता था। मैंने जब मना किया तो उसने मुझे धमकी दी और कहा कि अगर मैंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी पोस्ट पर है, गजल ने रोनी सी आवाज में कहा। फिर तुमने क्या किया? आर्ची ने गुस्से से पूछा। ये देखकर मैंने कुछ नहीं कहा, वो खड़ा हो गया और मेरे सामने आ गया। उसने मेरी स्कर्ट उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी मैंने उसके चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मारा और उसे डांट कर कहा, तुम एक घटिया इंसान हो। फिर मैं वहां से निकलकर सीधा घर आ गई। तुम बहुत ब्रेव हो मिस गजल, गुड जॉब, आई हेट सच पीपल, आर्ची ने गंभीरता से कहा। अगले ही पल आर्ची ने गजल को बहुत कोमलता से गले लगाया और कहा, तुम्हें भूख नहीं लगी बेबी, चलो कुछ खाते हैं। मुझे भूख नहीं है, मैं अभी कुछ भी खाना नहीं चाहती, मेरा पेट तो गुस्से से ही भर गया है। जानती हो, मनुष्य लोहा है और भोजन स्टील, कोई तब तक नहीं खाता जब तक कि उसे भूख ना लगे। अगर मैं घर पर नहीं होऊंगा तो तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना सीखना चाहिए, आर्ची ने धैर्यपूर्वक गजल को सलाह दी। ठीक है तो चलो पास के एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाते हैं, तुम्हारी ट्रीट, चेंज करने में मेरी हेल्प करोगे, गजल ने एक प्यारी सी अदा से कहा। आर्ची ने तुरंत ही उतावले बन से कहा, श्योर बेबी। अगले ही पल गजल ने अपने खूबसूरत पैर आर्ची की गोद में रखे और कहा, बहुत टाइट है ये शू, कैन यू रिमूव इट। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बहुत जोर से हंस पड़े। थोड़ी देर बाद दोनों फूड जॉइंट में बैठे थे। आर्ची ने खाते हुए पूछा, ये साउथ कोरिया के लिए तुम्हारा क्या ऑब्सेशन है? तुम क्या जानो मेरे ऑब्सेशन की क्या लिमिट है, गजल ने शरारती अंदाज में कहा। आर्ची ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, ओ रियली, और तुम क्या जानो मेरे पैशन की लिमिट, तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कहते हुए गजल ने आर्ची को एक हल्की सी चपत लगाई। उसका मूड अब पूरी तरह से अच्छा हो गया था। मैं मजाक नहीं कर रहा गजल, कल रात में बहुत पैशनेट नहीं था तुम्हारे साथ, आर्ची ने गजल की आंखों में देखते हुए कहा। अच्छा, मुझे तो याद नहीं, गजल पूरी तरीके से आर्ची को छेड़ने के मूड में आ गई थी।
आरजी अब अपनी जगह से उठकर गजल की बगल में आकर बैठ गया और उसके करीब आकर बोला, वाना ट्राई मी बेबी। ये पहला मौका था जब गजल आरजी की रोमांटिक नजरों से छुपने की कोशिश कर रही थी। आरजी को गजल का यह शर्माना अच्छा लगा। उसने धीरे से अपना हाथ गजल के चेहरे की तरफ बढ़ाया और तभी गजल अचानक जोर से चिल्लाई, ओह शिट, दिस इज नॉट डन, ये बहुत गलत है। क्या गलत है? आरजी ने घबराते हुए पूछा। अरे यार, उस लफंगे बुड्ढे मैनेजर के ऑफिस में मैं अपना बैग भुलाई, मैं जाने की जल्दी में थी इसलिए मैं उसे लेना भूल गई। गजल बहुत घबरा गई थी। उसने आगे कहा, उसमें पैसे तो ज्यादा नहीं है लेकिन मेरा बैंक कार्ड, आईडी कार्ड, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और साउथ कोरियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट सब अंदर है। अगर वो गायब हो गया तो अब मैं क्या करूंगी? इसके आगे गजल की कल्पना करने की हिम्मत नहीं हुई। चिंता मत करो, जब तक तुम उस जगह को याद रखोगी तब तक तुम इसे नहीं खोगी। आरजी ने गजल को तसल्ली दी और आगे बोला, खाने को छोड़ो, चलो पहले तुम्हारा बैग लेकर आते हैं। वे दोनों आनन फानन में बाहर आए और टैक्सी लेकर गजल की कंपनी पहुंचे। जब वे पहुंचे तो आरजी ने महसूस किया कि ये कंपनी एक अमेरिकन साउथ कोरियन जॉइंट वेंचर थी जो एक्सपोर्ट के लिए एक हाई टेक्निक वाले मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाती थी। जब वे पहुंचे तो वे जल्दी से रिसेप्शन एरिया की ओर चल पड़े। काफी देर हो चुकी थी लेकिन ये एक मल्टीनेशनल एमएनसी थी इसलिए 24 आवर्स काम करती थी। गजल ने रिसेप्शनिस्ट को सारी स्थिति बता दी और उम्मीद जताई कि वो अपना बैग निकालने के लिए जनरल मैनेजर के ऑफिस में जाएगी। रिसेप्शनिस्ट ने आराम से उसकी पूरी बात सुनी। उसने उन्हें बताया कि जनरल मैनेजर पहले ही हवाई अड्डे के लिए रवाना हो चुके हैं और सियोल के लिए उड़ान भर रहे हैं। उनके लौटने में एक महीने का समय होगा। रिसेप्शनिस्ट के रूप में उनके पास ना तो ऑफिस की चाबी थी और ना ही उसे खोलने का अधिकार। इसके अलावा गजल ने जो बातें कही थी उसे अभी भी उस बात की सच्चाई को साबित करने की जरूरत थी। ये सुनते ही वो हैरान रह गए। एक महीना? एक महीने के अंदर इन कागजों के बिना गजल की नौकरी जरूर ही छूट जाएगी क्योंकि उसकी बहुत सारी कागजी कार्रवाई अभी भी बाकी थी। इसके अलावा वो नहीं जानते थे कि जनरल मैनेजर ने उसका बैग कहाँ रखा था। अगर वो एक महीने बाद दोबारा नहीं मिले तो इसका गजल को बहुत बड़ा नुकसान होगा। गजल इतनी चिंतित थी कि उसने रिसेप्शनिस्ट से मदद की भीख मांगी। मेरा बैग सचमुच जनरल मैनेजर के ऑफिस में है, मैं उसे वहां भूल गई थी। मैं आज सुबह उनके केबिन में एक मीटिंग के लिए आई थी और तुम मुझसे पहले मिली थी। मैंने 3 दिन पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे बैग में बहुत जरूरी चीजें हैं। दरवाजा खोलो, मैं अंदर जाकर देख लूंगी। मुझे याद है मैंने उसे सोफा पे रखा था। रिसेप्शनिस्ट ने शांति से जवाब दिया, मैम मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि आप जो कह रही हैं वो सच है और मैं आपकी मदद करने को भी तैयार हूँ। हालांकि हमारा एक नियम है कि आपको बॉस की अनुमति के बिना बॉस के ऑफिस में एंट्री करने की परमिशन नहीं है और वास्तव में मेरे पास ऑफिस की चाबी नहीं है। अगर आप मदद करना चाहें तो जनरल मैनेजर से फोन पर संपर्क करें और उससे पूछें कि हम अपना बैग लेना चाहते हैं। अगर वो हाँ कहते हैं तो अपने ऑफिस के लोगों से कहो कि दरवाजा खोले। गजल ने लगभग रोते हुए कहा। आरजी गुस्से में था और वो रिसेप्शनिस्ट पर चिल्लाया, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। आप किस पर चिल्ला रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपका घर है? कौन जानता है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है भी या नहीं? कहते हुए रिसेप्शनिस्ट भी गुस्से में थी। गजल ने कहा, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं क्या तुम्हें फ्रॉड दिखाई देती हूँ? जब वे बात कर रहे थे तभी वहां लगभग 35 साल का भूरे बालों वाला एक लंबा और बहुत हैंडसम फॉरनर आया। ये देखकर कि वे बहस कर रहे थे उसने विदेशी भाषा में कुछ कहा। कौन है ये हैंडसम फॉरनर? क्या गजल अपना बैग दोबारा पा सकेगी? जानने के लिए सुनते रहिए लव एनकाउंटर ओनली ऑन पॉकेट FM। उस विदेशी को देखकर रिसेप्शनिस्ट का रवैया तुरंत सम्मानजनक हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो विदेशी जैसे पूछ रहा हो कि वहां क्या हो रहा है। जब आरजी ने सुना कि वो विदेशी अंग्रेजी नहीं बोल रहा है तो वो समझ नहीं पाया कि ये कौन सी भाषा है, लेकिन गजल की आंखें तुरंत ही चमक उठी। वो तुरंत उत्साही हो गई और विदेशी के साथ बात करने के लिए उसने एक विदेशी भाषा का इस्तेमाल किया। गजल और उसके बीच की बातचीत सुनकर आरजी समझ गया कि वो दोनों जरूर साउथ कोरियन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। गजल उससे कुछ देर ऐसे बातें करती रही जैसे वो इस मामले पर बात कर रही हो। विदेशी ने बार बार सिर हिलाया
और उसकी सराहना की। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद विदेशी ने इंग्लिश में रिसेप्शनिस्ट से बात की, जिसका मतलब था, तुम जाओ किसी को ढूंढो और इनके लिए दरवाजा खोलो, इन्हें अपना बैग लेने के लिए अंदर जाने दो। ओके श्योर, आप एक मिनट इंतजार करें, कहकर रिसेप्शनिस्ट जल्दी से वहां से चली गई। ऐसा लग रहा था कि यह फॉरनर कंपनी के भीतर एक बड़ा ऑफिसर था और उसके पास काफी अधिकार हैं, आर्ची ने सोचा। दूसरी ओर गजल और विदेशी ने साउथ कोरियन लैंग्वेज में अपनी बातचीत जारी रखी। वे हंसते हुए बात कर रहे थे। बहुत जल्दी गजल के लिए जनरल मैनेजर के केबिन का दरवाजा खोला गया। गजल अंदर गई और उसे अपना बैग मिला। उसे जैसा कि उम्मीद थी वो सोफे के कोने में था और उसका सारा सामान वहां था। दोनों को थैंक यू कहकर विदेशी को बाय कहा। उनके जाने से पहले विदेशी ने गजल को अपना विजिटिंग कार्ड दिया। ऑफिस से बाहर निकलते ही गजल खुशी से झूम उठी और उसने कहा, ओ माय डियर, मैं कितनी लकी हूं, अगर ये बंदा हमें नहीं मिलता तो मैं अपना बैग कभी नहीं ले पाती। सचमुच बंदा काम का था, लेकिन वो तुमसे इतनी सारी बातें क्यों कर रहा था, आर्ची ने पूछा। जब मैंने उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया तो फिर उसने दरवाजा खोलने की व्यवस्था की। उसने मेरी लाइफ चॉइस, मेरी और ऑफिस हॉबीज के बारे में पूछा और साउथ कोरियन लैंग्वेज अच्छी तरह से बोलने के लिए मेरी प्रशंसा की। तुमने देखा, उसने मुझे अपना कार्ड भी दिया और मुझे कल उसे फोन करने को कहा। क्या तुम जानते हो किस पोस्ट पर है, कहते हुए गजल ने आर्ची के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उत्साह से खुद ही जवाब दिया। सोंग मिनो रिसोर्स डिपार्टमेंट के कंट्री जनरल मैनेजर हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि उनके डिपार्टमेंट में भी एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। कल शायद वो मुझे अपने डिपार्टमेंट में बुलाएंगे और अगर सब ठीक रहा तो मैं उनका डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लूंगी। वहां मुझे ट्रांसलेटर के साथ डेली बिजनेस करने के अलावा दस्तावेजों, उत्पाद संबंधी जानकारियों को भी ट्रांसलेट करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस काम को करने के लिए शायद मुझे साउथ कोरिया भी भेजा जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी करो, कहीं खाने चलते हैं, मैं भूख से मर रहा हूं। खाना खाने के बाद वे दोनों अपने फ्लैट पर लौट आए। थोड़ी देर बाद गजल ने सुना कि आर्ची किसी से फोन पर बात कर रहा था। तुम सच में बदल गए हो क्या, बिल्कुल फोन ही नहीं करते, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन, परी ने आर्ची के फोन उठाते ही कहा। क्या बताऊं, आज का दिन बहुत हेक्टिक था, अभी जस्ट घर आया हूं, कल कॉल करता हूं। आर्ची ने जैसे ही बातचीत खत्म की उसके सिर के पिछले हिस्से पर कागज की एक गेंद से प्रहार किया गया। वो तेजी से पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि गजल पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। ब्लू डेनिम शॉर्ट्स और पिंक टैंक टॉप में वो बहुत प्यारी दिख रही थी। लेकिन आर्ची का मन पता नहीं क्यों मिस्टर मिन्हो से मिलने के बाद से कुछ बेचैन था। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, गजल ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। उसके हाथ में स्नैक्स की एक प्लेट थी। उसने प्लेट को टेबल पर रखते हुए कहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था और बहुत एडवेंचरस भी, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कोई स्पेशल टेस्ट वाला थोड़े हूं कि किसी मिन्हो से मिलकर खुश हो जाऊंगा, आर्ची ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। अच्छा सुनो, हमें यह मेट्रो ट्रेन की पास बनवा लेनी चाहिए, नहीं तो रोज के खर्चे बहुत भारी पड़ेंगे। इसकी चिंता तुम करो, मेरा ऑफिस तो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आर्ची का मूड अभी भी अच्छा नहीं हुआ था। चलो ना, तुम चाहते हो कि मैं अकेली जाऊं, गजल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दोनों पास की मेट्रो स्टेशन से गजल के लिए डेली पास बनवाकर बाहर निकले। उसके बाद आर्ची और गजल उत्साह से सुपरमार्केट में कुछ चीजें खरीदने के लिए गए, जैसे ड्रिंक और स्नैक्स। अचानक गजल के बास्केट में आर्ची ने एक पैकेट रख दिया। गजल ने तुरंत उसे उठाकर देखा तो वो हैरान रह गई। वो एक कॉन्डोम का पैकेट था। ये तुम मेरे बास्केट में क्यों डाल रहे हो, गजल ने तेज स्वर में पूछा। क्यों, तुम्हारे मतलब का नहीं है, आर्ची ने हंसते हुए पूछा। लेकिन इसे यूज कौन करता है, फायदा तो तुम्हारा है ना। आर्ची गजल को छेड़ने के मूड में था। तो ठीक है, अगर फायदा मेरा तो फिर चॉइस भी मेरी होगी। अगले ही पल गजल ने बनाना फ्लेवर हटाकर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कॉन्डोम अपने बास्केट में रख लिया। नॉट बैड मिस गजल, इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, आर्ची ने गजल की तारीफ की। वो दोनों काफी देर तक सड़कों पर घूमते रहे और रात 12 बजे वे घर लौटे। वे थोड़े थके हुए थे लेकिन अच्छे मूड में थे। जब आर्ची बाथरूम से चेंज कर बाहर आया तो उसने देखा कि गजल उसके ही बेड पर सो रही है, तो वो उस रात कुछ नहीं कर सका। वो थोड़ा निराश हुआ।
उसे जगाना नहीं चाहता था क्योंकि वो पूरे दिन व्यस्त थी और वास्तव में थकी हुई थी। लेकिन गजल के साथ सेक्स के अलावा भी कुछ ऐसा था जो आर्ची को पसंद आने लगा था, और वो था उसके साथ बातें करना। आर्ची ने समय देखा तो अभी रात के 12:30 बज रहे थे। काफी थके होने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी आर्ची गजल के बगल में लेट गया। उसका यह हफ्ता बहुत सारी घटनाओं से भरा था और वो एक बार अपने दिमाग में उन सभी घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से याद कर रहा था। एक्सीडेंट की यादें उसके जहन में आकर बार बार उसे डरा देती थीं, लेकिन ये एक ऐसी बात थी जिसका जिक्र वो किसी से नहीं कर सकता था। अब आर्ची को भी लगने लगा कि वो बहुत थक गया है। उसने तकिए पर सर रख दिया और तुरंत सो गया। जब वो फिर से उठा तो सुबह हो चुकी थी। उसने देखा कि गजल उसके बिस्तर पर बैठी है और फोन पर बात कर रही है। वो सॉन्ग मिन्हो से बात कर रही थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। आर्ची ने अपना शरीर घुमाया और अपना सिर गजल की जांघ पर रख दिया। जब गजल ने अपना फोन कॉल समाप्त किया तो वो बहुत खुश हुई। वो लेट गई और आर्ची को गले लगा लिया। फिर उसने कहा, ग्रेट न्यूज, मिस्टर मिन्हो ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट में ही बुलाया है। आई एम सो हैप्पी। दैट इज ग्रेट, गुड गुड बेबी, लेट्स सेलिब्रेट। कहते हुए आर्ची ने गजल को गाल पर किस किया। नॉट नाउ, आई एम गेटिंग लेट, लेकिन बाद में, फॉर श्योर। गजल ने कपड़े पहने और आर्ची के चेहरे को थपथपाया और फिर उसे चूमा। मैं मीटिंग के बाद तुम्हें फोन करके बताऊंगी कि मेरी मीटिंग कैसी रही। एक मिनट, आर्ची, मेरे पास तो तुम्हारा फोन नंबर ही नहीं है। सच कितने अजीब हैं हम। गजल और आर्ची ने एक दूसरे के साथ अपना फोन नंबर एक्सचेंज किया। अच्छे से जाना, सी यू, ऑल द बेस्ट, आर्ची ने कहा। गजल के चले जाने के बाद आर्ची ने कुछ नाश्ता किया और वो भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में आर्ची के दिन की शुरुआत काफी व्यस्तता भरी रही। जब वो कॉफी पी रहा था तो उसके मोबाइल नंबर पर किसी का कॉल आया। उसने देखा कि ये गजल का नंबर है। हे, क्या चल रहा है, आर्ची ने उत्साह से पूछा। गजल अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाई और फोन पर आर्ची से कहा, मैं तुम्हें बता रही हूँ जानेवन, मेरा इंटरव्यू हो गया है, मुझे मिस्टर मिन्हो के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर मिल गया। रियली, दिस इज रियली ग्रेट। चलो आज रात तुम्हारी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर खाना खाते हैं, आर्ची ने खुश होते हुए कहा। सॉरी डियर, मिस्टर मिन्हो ने मुझे इटालियन खाने के लिए इनवाइट किया है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और अगर मैं उन्हें मना कर दूंगी तो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी, गजल ने धीरे से कहा। आर्ची अपनी डिसअपॉइंटमेंट छुपाते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आज रात जल्दी वापस आ जाना और उस फॉरेन डेविल से सावधान रहना, गजल ने हंसते हुए कहा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं ऐसे ही वन पीस में वापस आऊंगी, समझे। फोन रखने के बाद आर्ची ने मन ही मन सोचा, कहीं वो गजल पर चांस तो नहीं मार रहा। लेकिन गजल को उसके साथ जाने से रोकने का आर्ची के पास कोई कारण नहीं था। उसने सोचा कि गजल का जॉब का काम तो सुलझ गया, ये एक अच्छी बात हुई। अपने ऑफिस का काम खत्म करके जब आर्ची अपने फ्लैट पर वापस लौटा तो उसने देखा कि गजल वापस नहीं आई हुई थी। गजल के बिना उसे काफी बोरियत महसूस हुई। उसने अपने लैपटॉप पर गेम खेलने की कोशिश की लेकिन उसका उसमें दिल नहीं लगा। फिर उसने टीवी चलाया लेकिन क्या देखना है वो डिसाइड ही नहीं कर पाया। अचानक आर्ची को याद आया कि उसे आज परी से बात करनी थी। उसने परी को फोन मिलाया। परी उसके फोन कॉल से बहुत खुश हुई और उसने पूछा, और बताओ क्या कोई गर्लफ्रेंड बनी है। गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं पर हाँ, एक फ्लैटमेट जरूर मिली है, आर्ची ने जवाब दिया। अच्छा, कैसी है वो, परी ने उत्साह से पूछा। ब्यूटीफुल, लेकिन एटीट्यूड बहुत है उसमें, आर्ची ने बनावटी गुस्से से कहा। तो क्या तुम उसे चार्म नहीं कर पाए अभी तक, परी ने पूछा। आर्ची ने गर्व से कहा, क्या तुम अपने दोस्त को जानती नहीं। फिर उसने आगे कहा, मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। मेरा काम सही चल रहा है, परी ने जवाब दिया। उसी वक्त परी ने किसी से बात की तो आर्ची को एहसास हुआ कि वो अभी तक ऑफिस में काम कर रही है। उसने तुरंत परी से कहा, हे, कितनी देर हो रही है, अब तुम घर जाओ। हाँ, घर जाने का समय हो गया है, बाय, तुम्हें भी आराम करना चाहिए, कहकर परी ने फोन काट दिया। आर्ची परी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था सिवाय इसके कि वो चंडीगढ़ में रहती थी, लेकिन आर्ची
उसमें अभी तक उस तरह से इंटरेस्टेड भी नहीं हुआ था। आर्ची ने समय देखा, 11 बज रहे थे। उसने थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में सोचा, ये गजल अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं फिर से किसी परेशानी में तो नहीं फंस गई? देर हो रही थी तो कॉल करके मुझे बता तो देना चाहिए था। लेकिन मैं इसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? इसके पहले तो मैं अपने किसी दोस्त के लिए इस तरह बेचैन नहीं हुआ। क्या गजल सच में किसी मुसीबत में फंस गई है? क्या आर्ची गजल को सच में पसंद करने लगा है? जानने के लिए सुनते रहिए लव एनकाउंटर ओनली ऑन पॉकेट FM। आर्ची ने बेचैनी से अपना फोन उठाया, लेकिन जैसे ही वो कॉल करने वाला था कि घर का मेन डोर अचानक खुल गया। गजल लड़खड़ाती हुई अंदर आई। वो पूरी तरह से नशे में डूबी हुई थी। आर्ची ने उसे देखकर गुस्से में कहा, व्हाट द हेल, क्या तुम नशे की नदी में डुबकी लगाकर आई हो? लगता है तुम उस विदेशी के साथ किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि कहीं और ही गई थी। आर्ची गजल की ऐसी हालत देखकर बहुत गुस्से में था। गजल दरवाजे की चौखट पर झुकी और फिर हंस पड़ी। फिर उसने कहा, चिल, ऐसा नहीं है डियर, मैं बिल्कुल ठीक हूं और कल काम पर भी जा सकती हूँ। स्टूपिड गर्ल, इसका यह मतलब नहीं होता कि तुम नशे में डूब जाओ। बेवकूफ लड़की, अपना जरा भी ख्याल नहीं तुमको, मैं कितना परेशान हो रहा था। आर्ची के ये कहने पर गजल फिर से हंस पड़ी। क्यों, तुम और मैं तो केवल फ्लैटमेट्स हैं ना? आर्ची बिना गजल को जवाब दिए आगे बढ़ा और उसका चेहरा धुलाने के लिए बाथरूम में ले गया। अपना चेहरा धो लो, क्या तुमने कुछ खाया भी है या सिर्फ पीने पर ही ध्यान दिया है? आर्ची ने इरिटेटेड टोन में पूछा। खाना? ओ हाँ, याद आया, ग्रिल्ड चिकन तुम्हारे लिए भी पैक कराया था, लेकिन पता नहीं कैसे पार्सल वहीं भूल आई। गजल ने अपना चेहरा धोते हुए जवाब दिया। आर्ची हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। उसने पूछा, सीरियसली तुमने ऐसा क्या पी लिया? नाम तो याद नहीं, लेकिन वो चीज थी बहुत मजेदार, गजल ने जवाब दिया। क्या बेवकूफी है यार, नाम याद नहीं लेकिन पिए जा रही थी? उस विदेशी शैतान ने मना नहीं किया तुम्हें? वो सॉन्ग मिनो है ना? कहते हुए गजल वॉशरूम से बाहर आई और आर्ची के बिस्तर पर लेट गई। फिर उसने आगे कहा, वो नशे का शौकीन है, अगर मैंने नहीं कहा होता कि देर हो रही है तो उसे और ज्यादा पीना था। आर्ची ने फिर से गुस्से से कहा, मुझे लगता है कि इस विदेशी शैतान की नीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, तुम नहीं जानते, ये विदेशी बुरा नहीं है, वो बहुत सीधा साधा, स्नेही और मुझ पर विशेष रूप से दयालु है। मुझे कल काम पर जाना है, गजल ने ये कहा और वो बिना कपड़े चेंज किए ही सोने लगी। भाड़ में जाओ, मुझे उस विदेशी शैतान का तुम पर इतना ध्यान देना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। गजल के कपड़े उतारते हुए आर्ची खुद से बुदबुदाया। फिर उसने आगे सोचा, एटीट्यूड तो इतना है कि एटीट्यूड भी ट्यूशन ले ले तुमसे, लेकिन क्यूट भी हो, तुम उसके साथ भी हो, मेरे लिए खाना पैक करवा रही थी, इसका मतलब सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो तुम्हारे बारे में पूरी शाम सोच रहा था। आर्ची ये सोचकर मुस्कुराने लगा और गजल की बगल में जाकर लेट गया। उसकी आंख कब लगी उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह गजल उठकर जल्दी ऑफिस चली गई क्योंकि उसे नई यूनिट को रिपोर्ट करना था। आर्ची भी जाग गया। उसे अपनी बगल वाली बेडसाइड टेबल पर गजल का लिखा हुआ एक नोट मिला जिस पर लिखा हुआ था, गुड मॉर्निंग डियर, किचन में तुम्हारा ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, शाम को मिलती हूँ, कल रात के लिए थैंक्स। नोट पढ़कर आर्ची मुस्कुरा दिया। वो तैयार होने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। उधर से परी की घबराई हुई आवाज आई, हे आर्ची, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार लाइटर भेजा था जिस पर तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ था, क्या तुमने वो कहीं खो दिया है? 4 साल पहले आर्ची के बर्थडे पर परी ने उसे एक बहुत खूबसूरत और महंगा लाइटर गिफ्ट भेजा था, लेकिन जब से आर्ची मुंबई आया था उसे वो लाइटर मिल नहीं रहा था। उसे याद ही नहीं कि उसने उसे कहाँ गुम कर दिया था। मुझे याद नहीं, क्यों, क्या बात है? आर्ची ने पूछा। परी ने परेशान स्वर में कहा, आज सुबह के न्यूज़पेपर में उसी लाइटर की तस्वीर छपी है और लिखा है कि इसके बारे में अगर किसी को कुछ भी पता हो तो तुरंत ही पुलिस को जानकारी दे। मुझे डर है कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। याद करने की कोशिश करो कि वो लाइटर क्या तुमने किसी को दिया था या कहीं गिरा दिया था।
और ठीक है, थैंक्स परी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। मायूसी से फोन रखने के बाद आर्ची ने समय की ओर देखा। 9 बज चुके थे, अभी उसके पास ज्यादा सोचने का भी समय नहीं था। जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसने सबसे पहले जनरल मैनेजर के ऑफिस का दरवाजा खोला, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया था कि बॉस उससे मिलना चाहता है। लेकिन बॉस के केबिन में जाते ही वो दंग रह गया, क्योंकि मिस्टर राजन वहां नहीं थे, लेकिन उनकी मेज पर एक खूबसूरत महिला बैठी थी जिसका नाम यशिका था। गुड मॉर्निंग मैम, क्या मिस्टर राजन यहाँ नहीं है? आर्ची ने यशिका से पूछा। यशिका बहुत सुंदर महिला थी, उसकी उम्र करीब 30 थी। अंडाकार चेहरा, कोरी त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें, पतले होंठ, उसका शरीर बहुत सुडौल और तराशा हुआ था। तुम्हारा नाम आर्ची है ना? पूछते हुए यशिका ने आर्ची को देखा। वो मुस्कुराई और उसके सफेद दांत मोतियों से चमकने लगे। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, मिस्टर राजन को अभी अभी एक फोन आया है, क्योंकि उनके पास कुछ जरूरी काम आ गए, इसलिए मुझे आपसे बात करने के लिए कहा गया है। ओ, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? आर्ची ने बैठकर पूछा। मिस्टर राजन मेरे पति हैं, यशिका ने हंसते हुए जवाब दिया। ओह लेडी बॉस, माफ कीजिए। माफी मांगता हुआ आर्ची फिर उठ खड़ा हुआ। बैठो बैठो, घबराओ मत, रिलैक्स। यशिका ने आर्ची की ओर बड़े प्यार से देखा, फिर उसने कहा, मेरा नाम यशिका है और मैं भी इसी कंपनी में काम करती हूँ। आमतौर पर द बॉस यानी मेरे हस्बैंड ही आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, लेकिन इंसिडेंटली वो आज कुछ बिजी हैं, तो जो कुछ भी है आप मुझसे डिस्कस करें। आप अपना प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सौंप सकते हैं। ओ हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आर्ची ने जल्दी से कहा। यशिका ने आर्ची को देखते हुए कहा, मैं आपकी सिचुएशन को पहले से ही समझती हूँ। आपके लिए ये नई जगह है, नया शहर, नई कंपनी, एडजस्टमेंट में टाइम तो लग ही जाएगा। यहाँ पर हर आदमी की कैरेक्टरिस्टिक्स और लाभों की लंबी चौड़ी जांच कंपनी की एक्चुअल सिचुएशन एंड स्टेटस को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आई एम श्योर कि कंपनी ने आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर के रूप में रखने का सही फैसला किया है। ओ थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, मैं आपकी उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरूंगा। ये बोलते हुए आर्ची बहुत उत्साहित था और उसने तुरंत ही अपनी खुशी जाहिर कर दी। हे आर्ची, ओ नो, मुझे आपको मैनेजर आर्ची कहना चाहिए। आखिर आप यहाँ 33 उम्मीदवारों में से सबसे बेस्ट चुने गए हैं। मेरा मानना है कि आपके पास अपना काम अच्छी तरह से करने की कैपेबिलिटी जरूर होगी। आर्ची की ओर देखते हुए यशिका मुस्कुराई, फिर उसने कहा, कॉन्ग्रेट्स मैनेजर आर्ची, आपका पहला प्रोजेक्ट सबमिट हो गया है। जी बिल्कुल, थैंक्स। ये देखकर कि लेडी बॉस इतनी आसानी से उससे बातें किए जा रही थी, तो अब आर्ची को भी रिलैक्स महसूस हो रहा था। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं मैम, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको तो एक्ट्रेस या मॉडल होना चाहिए, ना कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट में। ये सुनकर यशिका बहुत जोर से हंसी और हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आर्ची ने जो कहा था वो सच था, यशिका वास्तव में एक अत्यंत सुंदर महिला थी। लेकिन उसने आर्ची की जो धारणा दी थी वो ये थी कि उसकी जिंदगी में शायद किसी प्रकार की कोई कमी थी, लेकिन क्या ये आर्ची इस पहली मुलाकात में समझ नहीं पाया? रियली, क्या आपको लगता है कि मैं सच में सुंदर हूं? जब यशिका ने आर्ची के मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो वो बहुत खुश हुई और शानदार ढंग से हंसने लगी, क्योंकि उसकी आंखों ने कभी भी आर्ची का साथ नहीं छोड़ा था। ये सही है डेफिनेटली, आर्ची ने कहा और फिर पूछा, लेडी बॉस मुझे मेरे पहले प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जरूर बताइएगा। श्योर, ठीक है, मैं तुम्हें आज ऑफिस की एक छोटी सी ट्रिप पर ले जाती हूँ। कहते हुए यशिका आर्ची की ओर मुड़कर खड़ी हुई और आर्ची को अपने साथ ले गई। साथ ही उसने कंपनी के सारे डिपार्टमेंट से उसका इंट्रोडक्शन करवाया। कंपनी के ट्रांसफर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टूर गाइड डिपार्टमेंट और फाइनेंस एंड पर्सोनल डिपार्टमेंट में कुल 30 कर्मचारी सदस्य थे, साथ ही 10 पार्ट टाइम गाइड भी थे। आर्ची के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 10 मार्केटिंग स्टाफ थे। अब धीरे धीरे आर्ची मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों से परिचित हो गया था। अब आर्ची कंपनी के वर्किंग स्टाइल और मैनेजमेंट से परिचित था और कंपनी के पार्टनर के साथ
उनके संबंध को समझने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। दोपहर में मिस्टर राजन लौट आए। वे कंपनी की करेंट बिजनेस स्टेटस और अगले दौर की योजनाओं पर मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने आरजी के साथ एक निजी बातचीत की और दिल्ली की ऐतिहासिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मार्केटिंग काम के लिए आरजी की जानकारी और समझ पर चर्चा की। देर शाम काम के बाद आरजी अपने फ्लैट में लौट आया। गजल पहले ही लौट चुकी थी और खाना बना रही थी। एक दूसरे को एक दिन से ना देख पाने के कारण एक दूसरे से मिल पाना उन्हें कुछ अजीब सा लगा। ये सुनकर कि आरजी के ऑफिस का दिन बहुत अच्छा गया, गजल बहुत खुश हुई। उसने कहा, हम रिलेटिवली लकी थे और सफल हुए। मुंबई में नौकरी मिलना मुश्किल है, इसलिए हमें यहाँ अपने आप को अच्छी तरह साबित करना होगा। तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? आरजी ने पूछा। बहुत अच्छा। आज से मैं केवल मिस्टर मिन्हो को रिपोर्ट करूंगी, फिर मुझे एक महीने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को समझने के लिए इंतजाम करेंगे। मुख्य रूप से कुछ जानकारी को ट्रांसलेट करने में उनकी मदद करने के लिए मुझसे कहा गया है। ओह, वो विदेशी कल के बारे में कुछ कह रहा था क्या? आरजी ने पूछा। हाँ, वो माफी मांग रहा था। वो कल के लिए बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा उसे पता नहीं था कि मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करती, नहीं तो वो मुझे ड्रिंक करने के लिए नहीं कहता। मुझे लगता है ना आरजी कि वो बहुत अच्छा, बहुत सीधा इंसान है। उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है और अपने एम्प्लॉयज से भी यही एक्सपेक्ट करता है। उसके जूनियर्स उससे बहुत डरते हैं। गजल ने खाते हुए जवाब दिया। दैट्स कूल। कहते हुए आरजी ने गजल की प्लेट से एक टुकड़ा उठाया और खाता हुआ अपने रूम में चला गया। धीरे धीरे वे घर पर रहने वाले एक जोड़े की तरह प्यार से खाना बनाने, झगड़ने, खाने और साफ सफाई में एक दूसरे का हाथ बटाने लगे थे। खाना खाने के बाद दोनों का मूड बहुत अच्छा था। वे बालकनी में खड़े थे और ढलती शाम में शहर को अंधेरे में डूबता हुआ देख रहे थे। दोनों के बीच एक कंफर्टेबल साइलेंस था। उसी वक्त आरजी के फोन पर परी का कॉल आया। आरजी के चेहरे का रंग उड़ गया। अब परी आरजी के लिए कौन सी खबर लेकर आएगी? क्या पुलिस के सामने आरजी के लाइटर का राज खुल गया है? जानने के लिए सुनते रहिए लव एनकाउंटर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। तुम्हें याद आया, तुम्हें वो लाइटर किसने दिया था? आरजी के फोन उठाते ही परी ने तुरंत पूछा। फोन की आवाज बाहर आ रही थी। आज पहली बार गजल ने परी की आवाज सुनी थी। उसने आंखों के इशारे से आरजी से पूछा, क्या बात है? आरजी फोन लेकर तुरंत अपने कमरे में चला गया। उसने परी से कहा, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें उस लाइटर के बारे में क्या पता चला? कोई नई न्यूज नहीं है, परी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। ये कहकर आरजी ने फोन कट कर दिया और सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और कमरे में भी कोई रोशनी नहीं थी, क्योंकि गजल और आरजी दोनों सोने के लिए गजल के कमरे में आ चुके थे। गजल आलसी होकर बिस्तर पर लेट गई थी। उसकी आंखें अंधेरे में गहरे रात के आकाश को खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे वो खुद से बड़बड़ा रही थी। ये क्या है, क्या तुम बीमार हो? आरजी ने गजल के शरीर को धीरे से सहलाया और पूछा। सुनो, बाहर देखो, आसमान में आधा चांद ऊपर है। गुलाबी ठंड आने वाली है। तुम जानते हो, ऐसी रातों में मुझे मेरी माँ की याद आती है, गजल ने एक बच्चे की तरह कहा। ज्यादा मत सोचो, अपने ख्यालों को बेपरवाह मत होने दो, वो तुमको और भी दुखी और कमजोर कर देंगे। और जब तुम बाहर की दुनिया से लड़ रहे होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होना। पेनफुल पास्ट मेमोरीज तुम्हें बस और भी सैड कर देंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए आरजी ने गजल का चेहरा पकड़ लिया और उसने उसे उत्साहित किस करने की कोशिश की और बोला, हमें रियलिटी में बहुत ब्रेवली चुनौतियों का सामना करने की जरूरत है। आई थिंक यू आर राइट, मुझे बस इस सिचुएशन को समझने की जरूरत है और कोई बात नहीं। मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू किस बात का, बस हमें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। अपने काम पर ध्यान देना है कि हम जल्दी से अपना नेटवर्क बड़ा कर सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। एंड वी हैव ईच अदर, आरजी ने गजल से मुस्कुराते हुए कहा। गजल ने मुस्कुराते हुए आरजी की बात पर हामी भरी
और दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए। अगले हफ्ते आर्ची बहुत बिजी था। उसने कंपनी की फंडामेंटल सिचुएशन को समझने की कोशिश की, लोकल टूरिज्म रिसोर्सेज को अच्छी तरह से स्टडी किया, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी और प्रॉब्लम्स का पता लगाया, कंपनी की मार्केटिंग टीम की प्रेजेंट सिचुएशन की जांच की और कस्टमर्स से फीडबैक लिया और उनका माइंडसेट जानने की कोशिश की। अपने काम में आर्ची इतना बिजी हो गया कि उसे अपने काम में मजा आने लगा। काफी दिनों बाद वो अपना काम एंजॉय भी कर रहा था और खुश था। उसने एक फर्स्ट हैंड रिपोर्ट तैयार करके लेडी बॉस को मेल कर दी और उनके फीडबैक का इंतजार कर रहा था। लेकिन आर्ची को कुछ दिन इंतजार करना पड़ा क्योंकि मिस्टर राजन भी बहुत बिजी थे और पूरे समय बिजनेस की वजह से बाहर रहते थे और उनकी गैर हाजिरी में यशिका अंदर और बाहर की चीजों का ध्यान रख रही थी। वहीं दूसरी तरफ गजल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर रही थी, जहां उसे कुछ जरूरी सूचनाओं को साउथ कोरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने का मौका मिला था। काम का बहुत प्रेशर था। अभी अभी ग्रेजुएट होने के बावजूद गजल ने कई शब्द पहले कभी नहीं देखे थे और हर रोज काम पूरा करने के चक्कर में वो देर रात तक भी काम करती थी। आज शुक्रवार था। आर्ची को लगा कि उसकी रिपोर्ट अब मंडे को ही एनालाइज की जाएगी और वो घर जाने की तैयारी में था कि उतने में दोपहर को जब मिस्टर राजन अपने ऑफिस आए तो उन्होंने अपनी सारी पेंडिंग बिजनेस मीटिंग्स ऑफिस में ही प्लान कर ली थी। उनके साथ उनके ऑफिस में यशिका भी थी। आर्ची का इंटरकॉम बजता है और यशिका उससे अंदर आने के लिए कहती है। आर्ची केबिन में आकर बैठ जाता है। मिस्टर राजन और यशिका उसके ही रिपोर्ट देख रहे थे। उसने देखा कि मिस्टर राजन रिपोर्ट को बहुत सीरियसली पढ़ रहे थे। आर्ची उनके सामने बैठा उनके बोलने का इंतजार कर रहा था। वो थोड़ा टेंस था। गुड, रियली गुड। मिस्टर राजन ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद सेटिस्फेक्शन में अपना सिर हिलाया और कहा, दिस इज वेल प्रिपेयर्ड रिपोर्ट, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी और डिटेल्स चाहिए। कॉमर्शियल वायबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स कितनी होंगी, ये आप डिटेल में डाल दें और आप इस प्रोजेक्ट को मंडे तक फाइनल कर दो। मैं ज्यादातर ट्रिप पर रहता हूँ, इस पर तुम्हें यशिका को रिपोर्ट करने की जरूरत होगी, एंड देन आप दोनों इस पर खुद ही फैसला कर सकते हैं। आई एग्री मिस्टर कपूर, आर्ची में अच्छे काम करने की कैपेबिलिटी है। एक ही हफ्ते में इसने बहुत अच्छी तरह से सारी सिचुएशन को समझ लिया है। मुझे लगता है कि ही इज गोइंग टू बी अ गुड एसेट टू आवर कंपनी। यशिका ने आर्ची को अजीब नजरों से देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक सेडक्टिव सी स्माइल थी। मैम, आपकी अप्रिसिएशन के लिए थैंक यू। मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है और बहुत सी चीजों को करने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हूं। आर्ची ने बहुत ही हम्बलनेस से जवाब दिया। आर्ची, पिछले कुछ दिनों से यशिका अक्सर मेरे सामने तुम्हारी प्रशंसा कर रही थी। मिस्टर राजन ने मुस्कुराते हुए कहा। आई लाइक यू। काम के मामले में हम कलीग हैं, काम के बाहर हम दोस्त हैं। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेहिचक हमें बताना। इवन इफ इट्स पर्सनल, वी आर हियर फॉर यू। इन वर्ड्स ने आर्ची का दिल जोश से भर दिया। बॉस और एम्प्लॉयज के बीच संबंधों से जुड़ी अपनी कड़वी याद को याद करते हुए आर्ची ने मिस्टर राजन से कहा, थैंक यू, इस तरह का हेल्दी एटमॉस्फेयर हमेशा अच्छा आउटपुट देता है। आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। आर्ची ये सारी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो गया और बिना रियलाइज किए अपनी बातें दोहराते हुए अपनी बात खत्म करता है। आर्ची को इस तरह देखकर यशिका बहुत अम्यूज्ड थी। कल हॉलीडे है, एटलीस्ट आई कैन रिलैक्स। ये सोचता हुआ आर्ची एक्साइटेड घर पहुंचा। एक पूरा वीक बिजी रहने के बाद उसने वीकेंड को खुशी खुशी बिताने का प्लान बनाया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, गजल का फोन आया। आज रात गेस्ट आए हुए हैं, मैं रेस्टोरेंट में डिनर पर ट्रांसलेट करने जा रही हूँ। मैं खाने के लिए नहीं आ रही हूँ, आने में देर हो जाएगी। फोन नीचे रखने के बाद आर्ची को थोड़ी निराशा हुई। ना चाहते हुए उसने मन में सोचा, क्या यार ये क्या बात हुई, वीकेंड में इतना काम करेगी ये। क्योंकि वो अकेले खाना नहीं बनाना चाहता था, उसने बस कुछ नूडल्स ऑर्डर किए और खा लिए। आर्ची ने टीवी देखने की कोशिश की लेकिन उसका मन नहीं लगा। फिर उसने मोबाइल सर्फिंग शुरू की लेकिन जल्द ही वो इससे भी बोर हो गया। फिर उसने परी को फोन मिलाया। फोन उठाते ही परी उसे डांटने लगी। कहाँ गायब थे इतने दिन से, तुम मुझे बिल्कुल भूल गए हो। तुम मुझे इस तरह डांट सकती हो परी? आर्ची ने हंसते हुए कहा। तो क्या, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, कहाँ गायब हो जाते हो,
पूरा हफ्ता गुजर गया और तुम आज फोन कर रहे हो। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम मुझसे दूर जाते ही इस तरह मुझे भूल जाओगे। याद रखना, हो सकता है एक दिन मैं भी तुम्हें इसी तरह भूल जाऊं। परी ने सीरियस टोन में कहा, क्या कह रही हो तुम? आर्ची ने पूछा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता करती हूँ? परी ने गुस्से से कहा। ओह रियली, क्या ये सच है? आई एम ऑनर्ड परी, आर्ची ने हंसते हुए कहा। ये सच है, तुम्हें मुझ पर शक है क्या? एक दोस्त अगर अपने दोस्त की परवाह नहीं करेगा तो कौन करेगा? बोलो, तुम कहाँ गायब थे पूरे हफ्ते? परी ने पूछा। अरे यार, मैं काम पर था, मैं बहुत बिजी हूँ इन दोनों, आर्ची ने परी को अपने पूरे हफ्ते के बारे में बताया। वाओ, दैट्स ग्रेट, कांग्रेट्स, अपना काम अच्छी तरह से करो, ये एक नई शुरुआत है। नॉट बैड आर्ची, तुम्हारे बॉस कैसे हैं? पिछली बार वाले जैसे तो नहीं? परी ने मुस्कुराते हुए पूछा। दोनों अच्छे हैं, मेरे बॉस अक्सर काम के सिलसिले में टूर पर रहते हैं तो उनके पीछे लेडी बॉस ही सब कुछ संभालती हैं। दोनों मुझे पसंद करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, आर्ची बालकनी की ओर जाते हुए बोला। असल में वो बालकनी से देखना चाहता था कि गजल आ रही है या नहीं। ओके, ये लेडी बॉस कौन है? परी ने एक्साइटेड होकर पूछा। मेरे बॉस की वाइफ, यशिका नाम है उसका, बॉस से कुछ साल छोटी है और काफी खूबसूरत भी है, आर्ची ने जवाब दिया। ओह आई सी, क्या दोनों के बीच अच्छे संबंध है? परी ने और डिटेल में जानना चाहा। आर्ची थोड़ा मायूस हो गया क्योंकि उसे गजल अभी तक आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि काफी देर हो गई थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार और रिस्पेक्ट से बात करते हैं। आर्ची ने मायूसी से लिविंग रूम में लौटते हुए बोला। क्या उनके बच्चे हैं? परी ने फिर से पूछा। मैंने पूछा नहीं, ये मेरा काम नहीं है। तुम तो उनकी पूरी जन्मपत्री निकालने में लग गई हो, तुम्हें इन लोगों में इतना इंटरेस्ट क्यों है? हाँ, आर्ची ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कहते हुए परी थोड़ा सा एम्बेरेस हो गई। तुम मेरे बॉस और उनकी वाइफ के निजी मामलों के बारे में जानकर बहुत परेशान लग रही हो, क्या तुम उन्हें जानती हो? पूछते हुए अब आर्ची थोड़ा परेशान तो होने लगा था। नहीं मैं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, औरतों को इस तरह की चीजें पूछना पसंद है, तुम नहीं जानते क्या? चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, मुझे अपने काम के बारे में बताओ। परी ने जल्दी से बात को बदल दिया। हाँ हाँ, आज मैंने बॉस को अपनी 3 यूनिट के प्रोजेक्ट्स दिखाए थे, बॉस काफी खुश था मेरे काम से, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यह और अच्छा हो सकता है, क्या तुम मेरे प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने में मेरी मदद करोगी? आर्ची ने पूछा। अरे मैं तुम्हें कोई सुझाव कैसे दे सकती हूँ, मैं तुम्हारी तरह स्किल्ड नहीं हूँ, परी ने शर्माती हुई आवाज में कहा। मॉडेस्टी लोगों को पीछे कर देती है। मैं तुम्हें अभी मेल भेज रहा हूँ और तुम मुझे अपना ओपिनियन बता देना, आर्ची ने फिर प्रोजेक्ट परी को भेज दिया। परी ने प्रोजेक्ट मिलने के बाद कुछ नहीं कहा, ऐसा लग रहा था वो उस प्रोजेक्ट को देख रही थी। करीब 30 मिनट बाद परी ने जवाब दिया। मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट देखा, कुल मिलाकर प्रोजेक्ट का ऊपरी आधा हिस्सा काफी अच्छा है, ये बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड है, ये सिर्फ इतना है कि शरीर का निचला आधा हिस्सा थोड़ा नरम होता है जबकि ऊपरी हिस्सा गर्म, परी ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर आर्ची खुश हो गया, फिर भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसने सोचा, आखिर कब आएगी वो, ऐसे कोई इंतजार करवाता है क्या? इस लड़की ने हद ही कर दी आज रात, क्या गजल किसी मुसीबत में फंस गई है? आखिर आर्ची उसे इतना मिस क्यों कर रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए लव एनकाउंटर ओनली ऑन पॉकेट FM। कुछ पल आर्ची की आवाज न आने पर परी ने पूछा, कहाँ खो गए? आर्ची ने परी की टोन से अनुमान लगा लिया था कि वो उसे छेड़ रही है। उसने हंसते हुए कहा, आई गेट इट परी, यू आर पुलिंग माई लेग, हाँ? मुझे तो लगा ये तुम्हारी समझ से बाहर है। परी ने हंसते हुए जवाब दिया। ये सुनकर आर्ची को बहुत अच्छा लगा। परी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, ऑन अ सीरियस नोट, तुम्हारे लिए मेरे पास 3 सजेशंस हैं। आर्ची ने क्यूरियोसिटी से पूछा, रियली? बताओ ना। पहला ये है कि एम्प्लॉइज को काम उनकी एबिलिटी के अनुसार मिलना चाहिए। परी ने कहना शुरू किया, गुड आइडिया, दूसरा क्या है? आर्ची ने पूछा।
दूसरा मार्केटिंग के जियोग्राफिकल और सीजनल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना जरूरी है। हर मौसम की प्रमोशन स्ट्रेटेजी एक जैसी नहीं हो सकती। अलग अलग मौसमों के अनुसार अलग अलग प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के लिए अलग अलग तरीके पेश किए जाने चाहिए। परी ने जवाब दिया, परी तुमने जो कहा वो बहुत अच्छा है। ये दोनों मेरे प्लान की कमियां हैं। मैं उन्हें अपने प्रोजेक्ट प्लान में जोड़ दूंगा और सोमवार को ऑफिस में एक नया प्लान प्रेजेंट करूंगा। आर्ची ने एक्साइटेड होकर कहा। ये सुनकर परी बहुत खुश हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि वो आर्ची के काम आई थी। जानती हो, मैं एक दिन अपनी खुद की टूरिज्म कंपनी शुरू करूंगा। मैं उसमें MD बनूंगा और तुम जनरल मैनेजर होगी। क्या कहती हो, ठीक है ना? आर्ची ने पूछा। इट्स वेरी गुड, लेकिन ये नन्ही सी बच्ची पहले MD साहब का शुक्रिया अदा करती है, फिर कहती है कि अभी मुझमें काबिलियत की थोड़ी कमी है। परी ने शर्माते हुए कहा। फिर उसने अगले ही पल पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी तक वापस नहीं आई है? हमारी काफी देर से बात हो रही है लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं आई। That means she is still at work. क्यों? सही कह रही हूँ ना? हाँ, वो अभी तक नहीं लौटी है। उसकी यूनिट की एक सोशल पार्टी है आज। और हाँ, एक और बात, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। आर्ची ने गंभीरता से जवाब दिया। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या तुमने खाना खा लिया? परी ने पूछा। क्या तुमने खाया? आर्ची ने पलट कर सवाल पूछ लिया। मैंने कुछ नूडल्स खाए हैं, और अब जाओ तुम भी कुछ खा लो, बाय। परी ने कहा और फोन काट दिया। फोन कटने के बाद भी आर्ची बहुत देर तक फोन लेकर लिविंग रूम में ही बैठा रहा, ये देखते हुए कि काफी देर हो चुकी थी और गजल अभी तक वापस नहीं आई थी। आर्ची ने गजल के बारे में वरीड होकर उसे फोन मिलाया, लेकिन नेटवर्क इशू होने की वजह से गजल का फोन नहीं लगा और उसे एक वॉइस मैसेज सुनाई दिया। आपके द्वारा कॉल किया गया नंबर स्विच्ड ऑफ है। ये सुनकर आर्ची को और भी ज्यादा बेचैनी होने लगी। उसने अपने आप में सोचा, उसका फोन स्विच्ड ऑफ क्यों आ रहा है? उसने अपना फोन बंद क्यों कर दिया? शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, या फिर उसने जानबूझकर बंद कर दिया होगा। गजल के क्लाइंट को और कितना समय लगेगा? पहले ही 12 बज चुके हैं। पता नहीं कहां होगी वो इस टाइम और पता नहीं क्या कर रही होगी। आर्ची के दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। क्या वो ओवरटाइम काम कर रही थी या कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ था उसके साथ? दुर्घटना के बारे में सोचकर उसकी बेचैनी बढ़ गई और उसने उसे ढूंढने का फैसला किया। अपार्टमेंट से बाहर निकलने के बाद वो उसके एंट्रेंस पर टैक्सी का इंतजार करने लगा। बहुत देर तक खड़ा रहा, पर जब एक भी टैक्सी नहीं आई तो वो सड़क पर चला गया। उसने सोचा सामने चौराहे पर टैक्सी मिलनी चाहिए। चौराहे पर 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद आखिरकार एक खाली टैक्सी आती हुई दिखी। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, गजल का फोन आ गया। तुम कहाँ हो? घर पर कोई क्यों नहीं है? गजल ने पूछा। भगवान का शुक्र है वो घर पर थी, आर्ची ने अपने मन में सोचा। फिर मुस्कुराते हुए गजल को जवाब दिया। अरे यार, मैं तो तुम्हारी तलाश में ही निकला था, मैं अभी घर पहुंचता हूँ। फोन कटने के बाद आर्ची एक बार फिर से अपने ख्यालों में खो गया। वो वापस कैसे आई? वो सड़क के किनारे खड़ा था और उसने मुझे कैसे नहीं देखा? आर्ची लगभग दौड़ता हुआ अपने फ्लैट तक पहुंचा। तुम्हारे फोन को क्या हुआ? दरवाजे से अंदर घुसते ही आर्ची ने गजल से पहला सवाल यही किया। ज्यादा कुछ नहीं, मेरी बैटरी खत्म हो गई थी, बोलते हुए गजल अपना चेहरा धोने लगी। लेकिन तुम वापस कैसे आई? आर्ची ने चिढ़ते हुए पूछा। टैक्सी से, गजल ने भोलेपन से जवाब दिया। ये झूठ बोल रही है, मैंने इसकी टैक्सी को नहीं देखा, मैंने इसका झूठ पकड़ लिया है। ये सोचकर आर्ची को गुस्सा आ रहा था। आर्ची गजल को घूरे जा रहा था, लेकिन गजल बिना किसी रिएक्शन दिए नॉर्मली अपना चेहरा धो रही थी। उसका ये रूखापन देखकर आर्ची उसकी तरफ बढ़ा और उससे एकदम करीब आकर खड़ा हो गया। तुम्हें पता है मेरे पास चेंज नहीं था, इसलिए मुझे 500 का नोट उस टैक्सी ड्राइवर को देना पड़ा, गजल अपना चेहरा धोने के बाद पोछते हुए बोली। आर्ची उसे अब भी गौर से देख रहा था। गजल बाथरूम से बाहर निकलते हुए थोड़ी हैरानी भरी आवाज में आर्ची से पूछती है, वैसे क्या तुम मुझे ढूंढने के लिए सच में बाहर गए थे? गजल ने उसकी तरफ देखा और उसके पास जाकर खुशी से आर्ची को गले लगाया और उसे चूमते हुए बोली, इस पर एक किस तो बनती है यार।
आर्ची को गजल का किस बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने बनावटी गुस्से में कहा, तुम इतनी लेट कैसे हो गई? क्या तुम्हें समय का जरा भी ख्याल नहीं रहा? मैं तो फिर भी अभी जल्दी आ गई, बाकी लोग तो पूरी रात पार्टी करने के मूड में थे। तुम्हें पता है, मिस्टर मिनो सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे। उनका कहना था कि काम के बाद थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। ये कहते हुए गजल ने अपना सिर आर्ची की छाती पर टिका दिया। फिर से मिस्टर मिनो, ये विदेशी शैतान तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, चोर कहीं का। आर्ची ने गुस्से में कहा, तुम उन्हें चोर क्यों बोल रहे हो, किस लिए? अब गजल को भी गुस्सा आ रहा था। उसने अपना सिर उठाया और बोली, तुम मेरे फ्लैटमेट हो, बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। आर्ची ने गजल की आंखों में देखा। कुछ उसकी खूबसूरती, उसके फैले हुए काजल और हल्के नशे का सुरूर आर्ची को मदहोश करने लगा। आर्ची का मन बेकाबू हो गया। उसने गजल को अपनी बाहों में खींच लिया और गले से लगा लिया। फिर उसने धीरे से गजल के कान में कहा, कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में परेशान था। तुम इतनी देर रात वापस आई हो और मैं किसी भी तरह से तुमसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं बहुत परेशान था। ओके। पता नहीं क्यों गजल को आर्ची का उसके लिए परेशान होना अच्छा लगा। उसने आर्ची को किस करने की पहल की और कहा, आर्ची सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से इस बात का ख्याल रखूंगी और तुम्हें बताती रहूंगी कि मैं कहाँ हूं और कब घर वापस आऊंगी। आर्ची ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। वो एक हफ्ते से उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, तो वो इतना अच्छा वीकेंड कैसे मिस कर सकता था। उन दोनों ने एक दूसरे की बाहें पकड़ रखी थी और बाथ टब में एक साथ नहाने के लिए राजी हो गए थे। आर्ची ने गजल को अपनी बाहों में उठाया और उसे बाथरूम में ले गया। वहां उसने एक एक करके गजल के कपड़े उतारने शुरू कर दिए और दोनों बाथ टब में बैठ गए। आर्ची ने गजल को पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा। जैसे ही गजल की बॉडी आर्ची की बॉडी से टच हुई, दोनों के तन बदन में करंट से पास हुआ। दोनों अपने सारे गिले शिकवे भूल गए थे और अपने आप को पैशनेट सेक्सुअल एनर्जी के हवाले कर दिया। आर्ची ने अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए गजल के साथ लव मेकिंग करनी स्टार्ट की। बाथ टब में प्यार करने का दोनों के लिए एक अलग ही अनुभव था। आर्ची एक बहुत ही सेंसिटिव लवर की तरह पेश आ रहा था। गजल को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। आर्ची ने गजल के शरीर पर ध्यान से लिक्विड जेल लगाया। दोनों अपने पैशन में डूबे हुए थे। आर्ची आहिस्ता आहिस्ता गजल की बॉडी पर जेल लगा रहा था। उस जेल के कारण बहुत सारी झाग बन गई थी। गजल का कोई भी अंग नजर नहीं आ रहा था। अब वो मदहोश होकर इस सेंसेशन का मजा ले रही थी कि अचानक आर्ची का हाथ रुक गया। आर्ची का हाथ जब गजल के कान के ठीक नीचे गर्दन के पास पहुंचा, तो जो आर्ची ने देखा उसे देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि वहां एक हिकी का निशान था, बैंगनी गुलाब की तरह। ये गजल की बर्फ की तरह सफेद त्वचा पर खिल रहा था। ये हिकी कहां से आई? गजल ने अपनी आंखें खोली और मुड़कर आर्ची को देखा। क्या ये मिस्टर मिनो ने किया है? आर्ची ने गुस्से में पूछा। उसका सारा मूड खराब हो चुका था। आर्ची श्योर था कि यह हिक्की यकीनन उसने नहीं दी थी, क्योंकि वो दोनों पिछले एक हफ्ते से इंटीमेट नहीं हुए थे। आर्ची ने उन दोनों को इंटीमेट होते हुए इमेजिन करना शुरू कर दिया था। कैसे वो शैतान गजल के करीब आया होगा, कैसे उसने उसे किस किया होगा। हिक्की का कलर देखकर वो इमेजिन कर सकता था कि दोनों कितने पैशनेट हुए होंगे। उसने ये भी देखा था कि हाल ही में गजल को आर्ची के साथ फिजिकल होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने पिछले कुछ दिनों में यही कहा कि वो काम के कारण बहुत थक गई है और कुछ भी करने की ताकत नहीं है। गजल ने आर्ची को जवाब देने की जरूरत नहीं समझी और उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया। आर्ची को ये रिजेक्शन सहन नहीं हुई और उसके शरीर में खून गर्म होने लगा, लेकिन आनंद के जोश से नहीं, बल्कि गुस्से की आग से। साला कुत्ता मिस्टर मिनो, आर्ची ने अपने दिल में बार बार गुस्से में मिस्टर मिनो को कोसा। उसके पूर्वज की 8 पीढ़ियों से लेकर उसके जिंदा रिश्तेदारों तक सभी को उसने किसी को नहीं छोड़ा। अपने गुस्से में वो ये भी भूल गया कि वो कितने गुस्से में गजल की बैग को स्क्रब कर रहा था। गजल की बैग लाल हो गई थी। इतने जोर से क्यों कर रहे हो? गजल ने तेज आवाज में पूछा। आर्ची ने बिना कोई जवाब दिए जल्दी से गजल को पानी से धोया और फिर तेजी से टब से बाहर निकल गया।
मुझे भूख लगी है, चलो बाहर चलते हैं कुछ खाते हैं। आर्ची ने बिना उसकी तरफ देख के कहा। गुड आइडिया, मैंने भी ठीक से खाना नहीं खाया, मुझे भी भूख लगी है। गजल ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। रेस्टोरेंट में आर्ची ने मोमोज और दो बोतल एनर्जी ड्रिंक्स का ऑर्डर किया। फिर उसने गजल से पूछा, तुमने इस पूरे वीक लेट नाइट तक काम किया है, तुम इरिटेट नहीं हुई? क्या करूं, फॉरेन कंपनीज इसी तरह काम करती हैं। थोड़ा बहुत टाइम डिफरेंस का भी चक्कर है, वैसे भी साउथ कोरियन बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। गजल ने जवाब दिया और मोमोज खाने लगी। मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम सच में बिजी हो या ओवरटाइम में कुछ और काम कर रही हो? आर्ची की बातों में गहरे मतलब छिपे थे। तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या जानना चाहते हो, मैं समझी नहीं। गजल ने अपना सिर उठाया और आर्ची की आंखों में देखते हुए पूछा। आर्ची ने अपनी टोन को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरा